स्टार्ट करते हैं विद वॉट हैव टू बी डूइंग टूडे सुनो छोटा सा अपना एक अलग सा पार्ट होने वाला है वो करेंगे उसके बाद उसको भूल भी जाओगे तो भी वो चलेगा उसके अंदर से एक पार्ट जो है दिस इज इन अ चैप्टर कॉल्ड एज बैच कॉस्टिंग इन योर आईसीए का मोटिव ठीक और ये जो दूसरा पार्ट है दिस इज देयर इन योर एफ एम का थियरी बीन पुट ओवर हियर स दे आर स्लाइटली रिलेटेड टू इओ क्यू वाला थियरी जो आपका इला थियोरी है वॉज मेड बाय मैने नाम वगैरह मेरे ख्याल से तो वो बोले थे वन इज विलसन वन इज फूड नाउ ये लोगों ने थियरी बनाया बिकेम वेरी फेमस अभी इन लोगों ने इ्यू का थियरी बनाया उसके आसपास ही ना एक और थियरी भी बना डाला कॉल्ड एस ओ आर एस का थियरी ऑप्टिमम रन साइज कई लोग इसको एक नया नाम भी दिया इकोनॉमिक बैच साइज थियरी ठीक है अभी ये वाली जो थियरीज हैं किस बारे में है दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू बी टेलिंग यू ऑल बराबर से सुनना सर प्लीज देखो तुम्हारी ईओ क्यू की थियरी के लिए ईओ क्यू की थियरी के लिए ए का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल टू बी परचेज इन वन ईयर ओके अंदर ए का मतलब यह होता है तो क्यू का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज एट वन टाइम ठीक है यही मतलब होता है उसके बाद सी ए का मतलब क्या होता है इट इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड लास्टली सी आई का जो मतलब है वो क्या होता है सी आई का जो मतलब है इट इज नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर केस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल ईओ क्यू वाला जो थियरी है ना सारा का सारा जो थियरी है डील्स अबाउट रॉ मटीरियल ओनली पूरी की पूरी जो कहानी है रॉ मटीरियल के आसपास ही घूमती रहती है इट इज ओनली अबाउट एंड नथिंग एल्स तो फिर अभी क्या तो फिर अभी इन लोगों ने ना एक नया थियोरी बनाया ओ आर एस का थियोरी ये वाला जो ओ आर एस का थ्यूरी था ना इन दिस केस वॉज डीलिंग विद फिनिश गुड्स एक सेकेंड कोई एक ऐसा कंपनी जरा सोचो जो रॉ मटेरियल्स खरीदती है ठीक है रॉ मटेरियल्स तो खरीदा जाता है लेकिन फिनिश गुड्स तो बनाया जाता है ठीक है अभी ये वाली जो कंपनीज़ है ना जो फिनिश गुड्स बनाती हैं मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी बट आउट ऑफ देम देयर आर सम कंपनीज विच प्रोड्यूस द गुड्स इन बैचेस अभी बैचेस का मतलब क्या होता है आई स्मॉल एग्जाम्पल अगर आप लोग कभी लाइक यू नो इन लाइफ विल बी गेटिंग अ चांस गो टू आयन एंड स्टील कंपनीज जहां पर स्टील बनाया जाता है अभी स्टील इज मेड फ्रॉम आयन मेरे ख्याल से दिस थिंग इज वॉटर यू ऑल नो इतना तुम लोगों को साइंस मालूम है ठीक है थैंक यू तो आयन टेकन टू अ अटन पॉइंट इट स्टार्ट टू बी मेल्टिंग ओके एंड देन फ्यू केमिकल्स टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज एंड देन इट्स गेट्स कन्वर्टेड टू स्टील एंड ऑब्वियसली जो आयन है वो रस्ट होता है स्टील जो है जो प्योर स्टील होता है वो रस्ट नहीं होता है ओके okay? नाउ इन दिस केस दो ये जो ओ आर एस है ओके okay, ये जो ओ आर एस है दिस थियरी वॉज ऑल अबाउट वॉट दिस वॉज मेनली अबाउट सच कंपनी जो गुड्स बैचेस के अंदर बनाती है जरा सोचो कोई एक कंपनी है उनको ना स्टील का प्रोडक्शन करना है ठीक है उन लोगों को हमेशा एक क्वेश्चन सताता रहेगा क्या सर हम लोग ना स्टील एक बारी में कितना बनाए ऑब्वियसली सम्बडी कैन बी थिंक सर ये क्या क्वेश्चन हुआ फिनिश गुड्स तो बनता ही रहता है एक बारी में बनाए मतलब तो लेट मी गो बिट बैकवर्ड्स ओके अभी ये कंपनीज के ना प्रोडक्शन कैसे किया जाता है ये जो आयन एंड स्टील कंपनीज है वहां पे प्रोडक्शन तो कैसे किया जाता है यहां पर क्या होता है टू कन्वर्ट आयन इंटू स्टील इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर तो क्या होता है कि ऐसी कंपनीज के अंदर ना देर आर बॉयलर ओके देर आर बॉयलर हाउस देर इज अ डिपार्टमेंट इनफैक्ट कॉल्ड एज अ बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट ठीक है ये बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट के ना बॉयलर्स होते हैं जिनके ना पानी रखा जाता है ठीक है पानी को हीट किया जाता है हीट गेट स्टीम एंड देन थ्रू पाइप नो ये वाला जो स्टीम है इट गोज इन साइड द मशीन मशीन्स को स्टीम जब मिलता है मशीन्स का टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज ओके धीरे 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 टेम्परेचर वो बढ़ता रहता है इट टेक्स अप्रोक्सिमेटली वन टू टू डेज ओके फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मशीन्स टू राइज टिल द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड ओके एक बार जो टेम्परेचर है उस लेवल तक पहुंच गया एक बार जो टेम्परेचर है उस लेवल तक पहुंच गया उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मतलब दैट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आय इन टू स्टील तो एक बार मशीन्स का टेम्परेचर वहां तक वो पहुंच गया तो आई एन स्टार्ट टू गेट कन्वर्ट इन टू स्टील अब जरा सोचो एक बार वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है ना आपको जितना आयन को स्टील के अंदर कन्वर्ट करने का है करते रहो सपोज हम लोग तीन दिन तक यही वाला काम करते रहे ठीक है तीन दिन के बाद हम लोगों ने सोचा यार इनफ आयन बन गया सॉरी इनफ स्टील बन गया अभी मशीन को बंद कर देते हैं हम लोगों ने यहां पर पानी को बॉइल करना बंद कर दिया ओके ऑटोमेटिकली ये वाला जो मशीन है ठंडा होना स्टार्ट हो ही जाएगा ओके वो जो तीन दिन के अंदर स्टील बना था ना इज कॉल्ड एज वन बैच अभी ऐसी कंपनीज को जरा सोचो ना एक क्वेश्चन हमेशा सताता होगा और वो क्वेश्चन क्या है एक बार मशीन को सेटअप किया सेटअप मतलब उसको हम लोगों ने स्टीम का एनर्जी दिया हम लोगों ने यहां पर वो पानी बॉयल किया तो स्टीम यहां पर आया उसके बाद मशीन रीच दैट पर्टिकुलर टे एक बार मशीन्स का टेम्परेचर वहां तक पहुंच गया ठीक है उसके बाद कितना स्टील बनाए प्रॉब्लम इज कि अगर हम लोगों ने ज्यादा स्टील बना दिया आगे कोई कुछ बोलेगा तो अपने पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बहुत ज्यादा हो जाएगा ओके तो ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर टाइम द कैरिंग कॉस्ट विल स्टार्ट टू गेट इनकर्ड। अगर एक बारी में हम लोगों ने स्टील बहुत कम बनाया तो अब मेरे को बोलो एक और प्रॉब्लम भी तो होएगा। मेरे को ये वाला जो प्रोसेस है ना ये वाला जो प्रोसेस है बार बार करना पड़ेगा तुमको समझ में आता है this process will cause the company na boss it is a problem which is similar to eoq only but it is applied in situation of finished goods so now i am doing everything fresh what is eoq theory eoq tells you ek bari mein raw materials kitna order karne ka that is eoq theory then what is ors theory optimum run size मतलब एक बार मशीन से रन होगा कितना यूनिट्स बनाए दैट इज कॉल्ड एज ओ आर एस मेड बाय द सेम पीपल ओके अभी खुद ब खुद जरा सोच लेना कि सिंबल्स का नया मतलब क्या होगा अभी ए का मतलब क्या होएगा बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कोई बोलेगा मेरे को फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर ठीक है ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है लेकिन पहले मटेरियल के लिए थी अभी वो यहां पर आ जाती है फॉर फिनिश गुड्स ऑब्वियसली क्यू का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बी प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम एट वन टाइम बोले तो एक बार मशीन को सेटअप किया तो कितना यूनिट्स बनाने का दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर पार्ट ठीक है उसके बाद सी ए का मतलब अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नहीं हो सकता ओके क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज इन ऑर्डर बट वी आर नॉट ऑर्डरिंग बॉस ओके फिनिश गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सीए का मतलब हो जाएगा सेटअप कॉस्ट ओके सेटअप कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू सेटअप द मशीन मशीन को सेटअप करने का खर्चा वो जो वॉटर बॉइलिंग कॉस्ट है ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स विल बी सेटअप कॉस्ट उसके बाद सी आई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट परानम ये एक चीज है जो वही रहेगा अभी भी सीआई का मतलब वही वही वो, ही, वो ही है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट परानम बट ऑब्वियसली ऑफ फिनिश गुड्स कैसे होएगा जरा सोचो ना ऑफ रॉ मटीरियल मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था मेरे को रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए मेरे पास पैसा नहीं है बैंक जाएगा लोन लेगा लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा दैट इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट बेटा अगर रॉ मटीरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना अपने को फिनिश गुड्स okay, per per बनाने के लिए मटीरियल कॉस्ट चाहिए लेबर कॉस्ट चाहिए मेरे पास वो चीजों का भी पैसा नहीं है मैं वो चीजों के लिए लोन लेगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस इंटरेस्ट विल कम हो देर बस एक लास्ट लाइन पहले हम लोग वो बोल देते थे कि टीसी एंड टीसीआई आर कॉन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट अगर एक को मिनिमाइज करेगा दूसरा मैक्सीमाइज ही होगा अब भी जरा सोचो टीसीए एंड टीसीआई स्टिल भी कॉन्फ्लिकिंग जरा सोचो ना अगर आपको अपना सेटअप कॉस्ट कम करने का है तो मेरे को बोलो एक बार में ज्यादा बनाऊ के कम बनाऊ ज्यादा बनाऊ ना ऑब्वियसली सो दे फोर इन दिस पर्टिकुलर केस में ज्यादा बनाएगा यार ओके okay. टी सी आई अगर मेरे को यहां पर टी सी आई वाला कॉस्ट कम करने का है तो आप एक बारी में फिर कम बनाओ ताकि द कैरिंग बोथ ऑफ देम आर नाथिंग बट कॉन्फ्लिक्टस्ट बस अपना काम खत्म हो गया इफ बोथ ऑफ देम आर कॉन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस लेट स्टार्ट टू मिनिमाइज टी ओ वेयर बस पहले हम लोग एक लाइन बोल देते थे दैट क्यू दैट मिनिमाइज टी इज कॉल्ड एज ईओ क्यू अभी हम लोग बोल देंगे दैट क्यू दैट मिनिमाइज टी विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिम रन साइज एज वॉट ऑप्टिम रन साइज ठीक है अभी ना इसके ऊपर क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के बाद आएगा ओके okay? वो एक क्वेश्चन के बाद आएगा तो बीच में यहां पर एक और चीज क्या है ये तुम्हारे एफएम के मॉड्यूल के अंदर है कॉल्ड एज कैश मैनेजमेंट ओके टू बी वेरी स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के अंदर है एंड दैट इज ऑलबोस्ट सिमिलर टू आर ईओ क्यू वाला तो इसलिए बेटर ओके अभी ये जो था ना विल्सन और फोर्ड इन लोगों ने ये वाला थियरी बनाया वो लोग लो वर्ल्ड फेमस हुए ठीक है उसके बाद आईज ए आई थिंक इन वन काइंड ऑफ लेक्चर ऑल्सो अभी तब के टाइम का एक अनुमलिक वो करके एक बंदा था जो लोगों से वो थियरीज वगैरह तो वो चोरी करता था हिज नेम वॉज विलियम बॉमोन अभी ये बंदे ने इन्हीं का थियरी जो है वो चोरी करके अपना एक थियरी वो बना डाला एंड दैट वॉज ऑल अबाउट अपनी कंपनी के अंदर कितना कैश रखने का ओके okay. अपनी कंपनी के अंदर कितना कैश रखने का अगर ज्यादा कैश रखोगे अपने पास यू आर लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक अगर अपने पास कम रखोगे ना यू विल हैव टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक ओके एट अ फास्टर रेट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा जापान के अंदर अभी भी होता है इनफैक्ट टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक नो यू हैव टू बी पेइंग समथिंग ओके आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है आई डोंट नो यू ऑल नो अ नॉट बट यूल गो टू जापैन नो ओके और इनफैक्ट यूल गो टू यूएस ऑल्सो ओके वहां पे अगर आप लोग बैंक के अंदर पैसा रखते हो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं मिलता है इंडिया के अंदर वो बहुत मिलता है वो तो सर इंडिया इज अ वेरी एडवांस कंट्री नो दो कंट्रीज आर एडवांस वहां पे इन्फ्लेशन लेवल इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इसलिए बैंक डू नॉट ऑफर एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी डिपोजिट वट एवर है इन फैक्ट इन those इफ यू you द मनी फ्रॉम द बैंक जो theory है ना उसी के हिसाब से तो वो बना था ओके okay. यहां पर अब जरा देखना कि symbols का मतलब कैसे बदल जाता है लेकिन वही है, okay? ए का मतलब क्या हो जाएगा एक सेकेंड ईओ क्यू की थेरी के लिए क्या था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मेटर ओ आर एस की ईयर तो ओर की थेरी के लिए क्या है टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर वन ईयर आपको एक साल के लिए कितना कैश अपनी कंपनी के अंदर चाहिए वो ए हो जाएगा उसके बाद क्यू नंबर ऑफ इन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज एट वन टाइम नंबर ऑफ ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस एट वन टाइम ये क्या अमाउंट ऑफ कैश टू बी केप्ट इन योर कंपनी एट वन टाइम ओके हम लोग कितना कैश रखें अपनी कंपनी के अंदर ताकि अपने खर्चे मीट हो जाए सी ए का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर आ जाएगा तो सेटअप कॉस्ट यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ विड्रॉइंग और बोरविंग मनी अगर आपको बैंक से अपना पैसा निकालना है इन दैट पर्टिकुलर केस विल बी द कॉस्ट दैट विल बी नथिंग बट सी सी आई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनाम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनाम ऑल दो दिस इज ऑफ रॉ मटीरियल आगे तुम लोग बोलो दिस इज ऑफ फिनिश गुड्स ओके और यहां पर सी आई का मतलब क्या हो जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट पर रुपी पर एन एम अल्टीमेटली सीआई हमेशा इंटरेस्ट कॉस्ट ही होता है तो यहाँ पे इट विल बी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ योर मनी बस दैट सेट ओके तो जो भी इस थे को अप्लाई करके आंसर आएगा अपनी कंपनी के अंदर उतना कैश रखने का मतलब जब भी बैंक जाते हो उतना पैसा विड्रॉ कर लेने का इससे तुम्हारा टीसीए और टीसीआई वाला जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा ठीक है पहले एक चिंदी क्वेश्चन कर रहा हूं पर्टिकुलर पार्ट होनी उसके बाद फिर आगे पार्ट करता हूं ये वाला चैप्टर मॉड्यूल के अंदर जब है वहां पर सिर्फ ईओक्यू वाला थियरी है ओआरएस वाला थियरी बैच कॉस्टिंग के अंदर है जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस वाला थियरी वो एफएम के अंदर है जस्ट नोट दिस प्लीज ठीक है तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एटीन A company estimates that a company estimates a cash requirement of 2 lakh rupees for one month period. The opportunity interest rate is 6% per annum. The transaction cost for borrowing or withdrawing funds is rupees 150. Find optimum level of cash to be kept in the company at one time. Let us directly start only. It is just application of the formula and nothing else. please. Question number 18a. अच्छा तो मेरे को एक साल के लिए कैश कितना चाहिए भाई ये तो एक महीने का है ना सो दे फोर दिस विल बी टू लैक्स इन टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर लैक्स उसके बाद सी ए इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इस क्वेश्चन के ना कितने रुपीस का है वन फिफ्टी अच्छा बस ये बी केयरफुल सी का मतलब क्या होता है इट इज मैं यहां पे वो पढ़ देता हूं इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर आना अगर तूने एक रुपया लोन के तौर पे लिया तो तू कितना इंटरेस्ट देगा तो एक सेकेंड एक रुपए का लोन लिया तो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितने परसेंट का है सिक्स परसेंट तो ये आ जाएगा पॉइंट जीरो सिक्स पर यूनिट पर आनम मत लिखना पर रूपी पर आनम लिख देना क्या सी आई सी आई इज वन रुपी का अगर लोन लिया तो तेरा इंटरेस्ट का अमाउंट तो कितना आएगा आगे बस अभी आपको यहां पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला यूज करने का है ऑप्टिमम कैश बैलेंस स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए डिवाइडेड बाई सी आई टू इंटू ट्वेंटी फोर लैक्स इंटू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो सिक्स ये वाला आंसर बराबर से निकालो प्लीज इतना कैश अपने को कंपनी के अंदर रखना चाहिए एट वन टाइम बैंक जाओगे इतने रुपीस का अमाउंट जो है वो विड्रॉ करो ठीक से वन जीरो नाइन फाइव फोर्टी फाइव ऑलराउंड अच्छा सुनो चलो यहां पे एक चीज इफ यू ऑल वांट यहां पे लिख लेना कैन बी आस्ट इन एफएम

सेटअप कॉस्ट और सी आई मतलब का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन ऑफ फिनिश गुड्स और ओ आर एस का फॉर्मूला ऑब्वियसली विल बी सेम एज ईओक्यू वाला फॉर्मूला ठीक है वॉट आई वॉन्ट ऑल टू डू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का ना आप लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पढ़ो पार्ट ए और पार्ट बी तुम लोग आंसर रफ के अंदर निकालो ओके आराम से पढ़ना इजी क्वेश्चन है अगर कल ईओ वाले क्वेश्चन अपने वो हो गए थे दीज आर टेन टाइम्स वो ईजियर एज कंपेयर टू दैट सिर्फ फॉर्मुला ही अप्लाई करने का है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पढ़ो ए और बी का आंसर निकालना सी आई टेक केयर वो ईजी है बट देन ये वाला काम करो तुम लोग एक हिंट दे रहा हूं ट्वेंटी टू थाउजेंड इज नॉट उज्जवल वो करेक्ट है ट्वेंटी टू थाउजेंड इज नॉट ए आराम से देखना सब लोग ए का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश बी प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम तुमको चाहिए तो सिंबल्स भी साथ में दिखाने का ट्राई कर देता हूं अगर किसी को रेफरेंस के तौर पे चाहिए तो क्रिश मैंने वो ही एक चीज बोला बेटा ए इज नॉट ट्वेंटी टू थाउजेंड सब लोग फर्स्ट और सेकेंड आंसर दोनों इकट्ठे लेकर आओ किसी का गलत है आई विल बी सेइंग ओके वरना एवरीबडी इज करेक्ट होनी क्रिश गलत है को पार्ट वन और पार्ट टू का आंसर देना दोनों सेपरेट देम बाय अ कॉमा प्लीज मेह दोनों आंसर्स करेक्ट हैं झीर दोनों आंसर्स करेक्ट हैं कृतिका दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों आंसर करेक्ट हैं प्रथम करेक्ट हैं फर्स्ट आंसर थ्री सिक्स जीरो जीरो आएगा कृतिका सिंह दोनों आंसर्स गलत हैं बेटा मानसी करेक्ट है दोनों आंसर्स करेक्ट, करेक्ट है एल ट्राई टू टेल ध्रुव गलत है बेटा दोनों आंसर्स आर नॉट सेम अलग अलग हैं। महेश करेक्ट है यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट फिर लेक्चर के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर दो यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेर्ड रोशन करेक्ट है दोनों आंसर्स ध्रुव करेक्ट है कुनाल करेक्ट है सेकेंड आंसर गलत है नहीं कुनाल, आर ओनली वन डे स्टॉक्स दे डोंट रिप्रेजेंट द एवरेज फॉर द ईयर चलिए सुनिए स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज सिंबल्स के अंदर सबसे पहले ए का मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स पर एनम

एक मिनट मेरे को जरा बोलो अपने पास क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं है अपने पास क्वांटिटी सोल्ड है मेरे को बोलो क्वांटिटी सोल्ड से क्वांटिटी प्रोड्यूस तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आगे बोलिए लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसलिए आपको स्टॉक्स का डेटा वो दिया हुआ था ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड लेस फोर थाउजेंड इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड बेरिंग्स अच्छा उसके बाद सी ए मतलब सेटअप कॉस्ट वो तो थ्री ट्वेंटी फोर है सी आई बोले तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना वो दिया ही हुआ यार बस एक चीज याद रखना इट इज टेन पैसे एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ दिया हुआ है तो अपने को यहां पे 0.1 वन इंटू करना पड़ेगा दिस विल बी 1.2 पॉइंट टू पर बेयरिंग पर चलो पार्ट ए का आंसर स्टार्ट कर लेते हैं ओ आर एस ओ आर एस इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बेरिंग्स चलो सुनो ये वाला जो तुम्हारा काम है हो गया पार्ट ए इज ऑल टूगेदर डन पार्ट बी देखो उससे पहले ना पार्ट बी पढ़ने से पहले जिन लोगों का आंसर वो आ गया नो इसमें दोनों बोलो अगर एक बारी में 3600 सौ बेयरिंग थर्टी सिक्स हंड्रेड बेयरिंग बनाओगे तुम्हारा तो सबसे कम क्या होगा एक अल्फाबेट बोलना टी क्योंकि दिस इज लाइक इू एट टी इज लीस नो एट ओ आर एस इज लीस तो अगर एक बारी में इतना बनाता टी सबसे कम होता लेकिन देखो कंपनी का पॉलिसी क्या है अज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिक्स थाउजेंड बेयरिंग्स पर आना हाउ मच एक्स्ट्रा कॉज द कंपनी वुड बी इनक्रिंग एज कंपेयर टू ओवर एज सजेस्टेड इन ई अब तो वो लोग क्या बोलता है इन दिस पर्टिकुलर केस कंपनी का एक फंडा है कि एक बारी में वो लोग सिक्स थाउजेंड बेयरिंग्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनका आंसर भी करेक्ट फिर उनका जो क्वेश्चन है तो वो भी करेक्ट ही है अगर 3600 के अलावा कुछ भी करोगे चाहे ज्यादा चाहे कम तुम्हारा कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा ना तो हम लोग इस आंसर को लाने के लिए दो ही काम करने वाले हैं। पॉलिसी तो दो टी मिल जाएंगे आंसर दैट वी वॉन्ट ओके तो यहां पर अच्छा सोच के बोलना मेरे को जरा बोल रहा हूं सेकेंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला के कुछ भी कुछ भी ना यार क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक योर ईओ क्यू तो थर्ड फॉर्मूला चलता है जिधर थर्ड चलता है उधर सेकेंड तो चलता ही है सो so देर फोर यहां पर स्क्वेयर रूट ऑफ चलो आईल अप्लाई थर्ड बन यार स्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई तो नंबर्स अप्लाई करो फोर थ्री टू जीरो टी एट कंपनी पॉलिसी अच्छा सब लोग मेरे को जरा बोलना टी एट कंपनी पॉलिसी कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं सेकंड थर्ड के कुछ भी सेकंड ना सेकंड के अलावा और कुछ तो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि दिस इज नॉट ओ आर एस ये वाला आंसर लेके आओ और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल देना। 24,000 डिवाइडेड बाई Q का मतलब नंबर ऑफ फिनिश कुछ बी प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम तो 6,000 से डिवाइड करेगा इनटू तुम्हारा सी ए थ्री ट्वेंटी फोर का था प्लस सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू इंटू वन पॉइंट टू कितना आता बेटा ये जिन लोगों ने आंसर निकाला फोर 489. एट नाइन सिक्स फोर एट नाइन सिक्स माइनस फोर थ्री टू जीरो आज के लेक्चर के लिए वेट कर ले ठीक है तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर गेट योर आंसर ओके ये हो गया पार्ट बी पार्ट सी भी आइए मिनिमम कैरिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बोले तो सी आई ठीक है बट दे वॉन्ट सी आई एट ऑप्टिमम लेवल ऑप्टिमम लेवल बोले तो ओ आर एस सो दे वॉन्ट कैरिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल उसका ऑब्वियस मतलब है दे वॉन्ट टीसीआई बेटा सी आई तो पर यूनिट पर एनम होता है दे वॉन्ट सी आई एट सम लेवल बोले तो दे ऑल वॉन्ट टीसीआई और क्या ओके okay. तो यहां पे लिख के रखो टीसीआई एट ओ आर एस अच्छा टीसीआई का खुद का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बोलो Q बाई टू इंटू सी आई तो क्यू ओ आर एस के अंदर जो था वो था थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अपॉइन टू इंटू वन पॉइंट टू टू वन सिक्स अच्छा सुन चलो ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये हो गया जिस बच्चे ने एवरेज स्टॉक का डाउट पूछा था ना एक क्वेश्चन बाद में आएगा आई टेल यू यू विल गेट द आंसर एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम मी मैं वो वाला क्वेश्चन बता देता हूं सो एट दैट टाइम ऑल योर सच डाउट्स विल गेट क्लियर ओके ताकि अगेन तेरे दिमाग के अंदर वो ना रहे थ्री के अंदर ना दैटार्ट टू गेट क्लियर ओके तो जस्ट वेट टिल दैट टाइम ओके जब भी वो होगा योर डाउट विल गेट क्लियर ठीक है चलो सो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल टूगेदर डन ठीक है दिस वॉज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये चीज ना मैंने एक बार क्वेश्चट में शायद बहुत लोगों को वो पूछा था ओके okay, शायद एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर अभी बहुत सारी कंपनीज के अंदर आजकल तो मशीन्स यूज होता है जो लोग मशीन्स को चलाता है हम लोग उनको ना मशीन ऑपरेटर्स बोलता है हम लोग उनको मशीन ऑपरेटर्स बोलता है दे कैन बी पेड ऑन पर बेसिस ऑल्सो वगैरह दैट आई एम नॉट अवेयर ठीक है दैट देर कुड बी एन नंबर ऑफ स्कीम्स फॉर दिस पीपल ठीक है यू के नॉट a स्टैंडर्डाइजेशन कि उनको ऐसा ही पे करना चाहिए वगैरह that I don't नो उनको कैसे पे होगा ठीक है कुछ ऐसे जरा वो सोचो यूजअली कुछ ऐसा होता होगा ये एक मशीन है अभी ये सोच लेना ये एक मशीन है यहाँ पर एक मशीन ऑपरेटर है वो मशीन का हैंडल चलाता रहता है रॉ मटेरियल्स वगैरह अंदर वो डालता रहता है ठीक है मशीन के अंदर गुड्स वगैरह वो बनता रहता है और गुड्स यहां से बाहर आ जाता है ठीक अभी ये मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है मेरे को जरा बोलो इस बंदे को तुम लोग पगार भी तो देते हो लेट्स कॉल दैट एज मशीन ऑपरेटर्स वेजेस ओके तो कुछ भी नाम दे देता हूं मेरे को बोलो मशीन ऑपरेटर वेजेस जो है तुम्हारी कॉशीट के अंदर कौन से हेड के अंदर आना चाहिए थर्टी सेकेंड के लिए सोच लो थर्टी सेकेंड्स के लिए तुम्हारी क्वेश के अंदर कौन से हेड के अंदर आना चाहिए फैक्ट्री ओवर कुछ और ऑप्शन अच्छा ठीक है फैक्ट्री चलो किसी ने मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बोला किसी ने मेरे को एसएनडी तो नहीं बोला मटेरियल तो नहीं बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने तुम लोगों को बोल दिया था कि कोई भी चीज को डायरेक्ट एक्सपेंसेस मत बोलना जब तक सम नहीं बोलता कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ठीक तो मेरे ख्याल से मशीन ऑपरेटर के वेजेस के लिए दे आर ओनली टू ऑप्शन बोलो वट आई एम ट्राइंग टू हिंट वट आर टू दो या फिर आप उसको डायरेक्ट लेबर मानो या फिर आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स मानो ठीक है अभी दीज आर द टू ऑप्शन विच आर देयर इन वर्ल्ड ऑल्सो अबाउट मशीन ऑपरेटर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द लॉजिक ऑफ ईच वन ऑफ एक्चुअली आई हैव द लॉजिक ऑफ वन आई डोंट हैव द लॉजिक फॉर द अदर क्योंकि अगर एक चीज नहीं हो सकता फिर दूसरा वाला काम ही करना पड़ेगा एक सेकेंड अपना फर्स्ट लेक्चर जब भी था ना कॉस्ट शीट का डायरेक्ट वेजेस इज द मनी पेड टू दो वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट ठीक है अगर कोई वर्कर तेरा प्रोडक्ट बनाता है ना तो वो डायरेक्ट वर्कर है नाउ लुकिंग ओवर हियर दैट इज माई क्वेश्चन ओनली मेरे को जरा बोलो हु डू यू थिंक इज मेकिंग द प्रोडक्ट इज इट द मशीन इज इट द वर्कर अभी यू कैन आर्ग्यू एनी डैम थिंग नो इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कोई बोल सकता है सर वर्कर इज ओनली मेकिंग द प्रोडक्ट सर ऑल दो ही इज यूजिंग द मशीन टू मेक इट बेटर टू मेक इट फास्टर दिस इज वन व्यू टू थिंक ऑफ इट कि सर वर्कर ही तो प्रोडक्ट बना रहा है, ओके okay. वो हो गया एक व्यू दूसरा कोई बोल सकता है सर क्या फेंकता है सर मशीन ही प्रोडक्ट बना रहा है ऑलडो मशीन इज रन बाय दैट पर्टिकुलर मशीन ऑपरेटर वो अलग बात है लेकिन सर प्रोडक्ट कौन बना है मशीन बना रहा है अगर आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जाओगे तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या बोला वर्कर कौन जो प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है वर्कर वर्कर मतलब मशीन ऑपरेटर ओके वो ही तो मशीन चला रहा है जब तक तो वो नहीं चलाता तो मशीन कैसे चलता ओके मशीन इज नॉट ए इंडिपेंडेंट थिंग नो ओके तो अगर ऐसा बोलोगे दैट टाइम दिस काइंड ऑफ अ कॉस्ट मशीन ऑपरेटर्स विल बी स्टार्टिंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लीबर सबको समझा जो मैं बोला इट इज ओनली अ परसेप्शन थॉट ओके कोई बोल सकता है हाफ ग्लासेज एम्प्टी कोई बोल सकता है हाफ ग्लासिस फुल सो दीज आर ओनली थॉट्स विच आर देयर ओके कई लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं सर वर्कर किधर गुड्स बना रहे हैं मशीन इज मेकिंग द गुड्स वर्कर तो सिर्फ उसका हैंडल चला रहा है ओके इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी डायरेक्ट लेबर एंड ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट डायरेक्ट लेबर वो और तो कुछ हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट फैक्ट्री ओवर इज बिकॉज दीज एक्सपेंसिस इनकर्ड इन साइड द फैक्ट्री ऐसा कोई भी डिस्प्यूटेड एक्सपेंसिस होगा आगे जाके तुमको और भी दिस देगा इन सब क्वेश्चन के लिए ना अगर कभी मशीन ऑपरेटर आया तो तुम लोग उसको क्या मानोगे वो मेरे को भी नहीं मालूम है लेकिन तुम लोग वो वाला काम करोगे जो कंपनी करता है सम ध्यान से पढ़ने का कुछ ना कुछ क्रूड हिंट सम देता है कि सम उसको डायरेक्ट लेबर मान रहा है कि फैक्ट्री ओवर मान रहा है जो सम कर रहा है आपका फर्ज है आप एग्जैक्टली exactly वही वाला काम करो ओके दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट मशीन ऑपरेटर विजेस ओके वॉज इज क्लियर कभी भी मशीन ऑपरेटर आए अपने पास दो ऑप्शन होते हैं क्या दो ऑप्शन होते हैं डायरेक्ट लेबर आगे बोलो फैक्ट्री वाले वो वाला काम करना जो कंपनी कर रहा है सम तुमको कैसे ना कैसे सिली हिंट देगा कि कंपनी क्या फॉलो करता है जो पॉलिसी कंपनी फॉलो करता है बस तुम लोग फॉलो कर देना यू रिक्वायर गुड आइज टू ऑब्जर्व की कंपनी क्या करता है ठीक है तो लेट स्टार्ट ये चीज मैंने शॉर्ट्स के अंदर तो वो लिखा ही होगा ओके okay, तो वो यहां पर वो लिखा ही हुआ है बट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट ओके एट द एंड आई विल बी रीडिंग शॉर्ट्स पढ़ी कॉम्पोनेंट पी इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर हंड्रेड वो एक फैक्ट्री को नाम दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर हंड्रेड मटेरियल कॉस्ट इज सिक्स पैसे पर कॉम्पोनेंट एंड ईच कंपोनेंट टेक्स टेन मिनट्स टू प्रोड्यूस ठीक है द मशीन ऑपरेटर ये आ गया बंदा देखो मशीन ऑपरेटर इस पेज सेवेंटी टू पैसे पर आर एंड मशीन आर रेट इज वन पॉइंट फाइव अभी तक तुम्हारा सारा चैप्टर सारा सिलेबस वो नहीं हुआ है मशीन आर रेट के ऊपर लिख के रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स पर मशीन आर मशीन आर रेट का मतलब वही होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स पर मशीन आर मतलब अगर एक घंटा मशीन चलेगा तो मशीन का खर्चा 1.5 पॉइंट का आएगा ओके दिस इज फैक्ट्री ओवरहेज दिस इज फैक्ट्री मशीन मशीना रेट का मतलब फैक्ट्री ओवरहेज का रेट ही होता है ठीक है द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कॉम्पोन पी टेक्स टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट तो मशीन को चलाने से पहले मशीन को सेटअप करना पड़ेगा और सेटअप करने के लिए कितना टाइम चला जाएगा टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स

सेकेंड केस के ना सोचो मशीन को सेटअप किया उसके बाद सौ यूनिट बनाया मशीन बंद खर्चा कितना होगा लास्ट केस के ना मशीन को सेटअप किया हजार यूनिट बनाया मशीन बंद तुम्हारा खर्चा कितना होगा तो तुमको तीन बार कॉस्ट शीट वो बनाने का है मैं कॉलमनर मैनर करके खाम आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ दर बीजी फॉर मी ऑल्सो ओके तुम लोग क्या करो एक बार ना ये वाला क्वेश्चन पढ़ो अच्छे तरीके से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आई वॉन्ट दैट कि तुमको जो डेटा है ना वो याद हो जाए इस क्वेश्चन का बिफोर आल स्टार्ट टू इंप्लीमेंट ये पढ़ो जरा प्लीज एक बार चलो सुनो तुम लोगों ने क्वेश्चन वो पढ़ा है तो मेरे को कुछ डेटा जरा बताना मेरे को बोलो एक यूनिट बनाते हैं या एक कंपोनेंट बनाते हैं अपना मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीस का लगता था सिक्स पैसे मैंने सिक्स पैसे को पॉइंट जीरो सिक्स रुपी बोल देता हूं ठीक है अच्छा मेरे को जरा बोलो एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है एक यूनिट बनाने के लिए टेन मिनट सो आई कॉल दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टाइम एज प्रोडक्शन टाइम ठीक है इतना टाइम लग जाता है यूनिट बनाने के लिए सो दे फोर इन दिस केस टेन मिनट ठीक उसके बाद मशीन ऑपरेटर का जो वेजेस है मशीन ऑपरेटर का जो वेजेस है वो यहां पर सेवेंटी टू पैसे पर आर है सो आई एम राइटिंग रुपीज पॉइंट सेवन टू पर आर ठीक फैक्ट्री ओवरहेड्स पर मशीन आर जब एक मशीन आर के लिए मतलब जब एक आर के लिए मशीन चलता है तभी जो अपना खर्चा होता है दन पॉइंट फाइव ठीक लेकिन प्रोडक्शन करने से पहले आपको मशीन्स को सेटअप करना पड़ेगा सेटअप के लिए इन दिस पर्टिकुलर केस कितना टाइम लग जाएगा टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स। टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स बोले तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिनट ठीक है आप लोग क्या करो नोटबुक्स के अंदर लिखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पहले ना इतना डेटा जरा कॉपी कर दो एक बार ये आंसर नहीं है दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू ऑल हैव द डेटा विद यू उसके बाद ये वाला चीज जरा वो कॉपी कर लो नंबर ऑफ यूनिट्स एक बार टेन यूनिट्स के लिए शीट बनाने का है एक बार हंड्रेड यूनिट्स के लिए और एक बार थाउजेंड यूनिट्स के लिए साथ में मेरे को दो और चीजें लिखने का है प्रोडक्शन टाइम और उसके बाद सेटअप टाइम उसके बाद हर एक के अंदर टोटल पर यूनिट टोटल पर यूनिट टोटल पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली हाफ साइड के लिए बनाओगे दैट शुड बी मोर देन नाफ ये हो जाए तो मेरे को बता देना प्लीज हाँ एक मिनट बाद मैं ब्यूटिफिकेशन जरा एक बार वो कर लूं फिर स्टार्ट करता हूं चलो सुनो देखो अभी इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुना जरा प्लीज फर्स्ट कॉस्टशीट तुम्हारा दस यूनिट के लिए है ठीक है uh, महेश यू कैन ठीक है सुन, uh, तुम्हारा फर्स्ट जो कॉस्टशीट है ना वो दस यूनिट का है हर यूनिट को बनाने के लिए दस मिनट जाएगा ठीक है तो 10 यूनिट्स को बनाने के लिए यहां पर 100 मिनट्स जाएगा 100 यूनिट्स को बनाने के लिए 1000 मिनट्स जाएगा 1000 बनाने के लिए 10,000 मिनट्स जाएगा अच्छा सेटअप करेंगे 140 मिनट्स 140, 140। तुम लोग भी को जरा बोलना यू ऑल अंडरस्टैंड की सेटअप टाइम हर जगह पर सेम ही रहेगा आप मशीन्स को सेटअप कर रहे हो बॉस उसके बाद आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ लेकिन सेटअप करने के लिए तो उतना ही टाइम जाएगा तो हर जगह पर 140 फोर्टी अच्छा सुन सबसे पहले चलो एक ईजियर काम तो खत्म कर लेता हूं डायरेक्ट मटेरियल, हर यूनिट के लिए पॉइंट सिक्स फर्स्ट केस के अंदर दस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हंड्रेड से फिर थाउजेंड से तो टेन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी पॉइंट जीरो सिक्स सम के अंदर था हम लोगों ने यहां पर जो समरी के अंदर भी लिखा था हर यूनिट के लिए पॉइंट जीरो सिक्स लगता है जस्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इट फॉर विच आर ट्राइंग टू बी मेकिंग द कॉशिट सुन अभी बराबर से सुनना इस सम के अंदर भी ना मशीन ऑपरेटर आया मैं बाकी सब कुछ वो रब कर रहा हूं सिर्फ मशीन ऑपरेटर वाला जो लाइन है ना वही अंडरलाइन कर रहा ठीक है जो मशीन ऑपरेटर है वो इधर है बॉस मशीन ऑपरेटर इस 72 सेवेंटी टू पैसे पर आर ठीक है अभी बराबर से सुनना मशीन ऑपरेटर भी को आप लोग डायरेक्ट लेबर भी मान सकते हो आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मान सकते हो या लेकिन दोनों के अंदर से ना वही काम करने का जो सामने अपने को बोला बोलते सर सामने के बोला क्या मानने का देखो मैं एक लाइन के अंदर खत्म कर रहा हूं सामने क्या बोल दिया और नेक्स्ट टाइम से ऐसे ढूंढना स्टार्ट करना ठीक है ये फर्स्ट टाइम है तो शायद थोड़ी सी वो दिक्कत आए सामने अपने को फैक्ट्री ओवरहेड अलग से देकर रखा हुआ है अगर कंपनी मशीन ऑपरेटर वेजेस को फैक्ट्री ओवरहेड्स ही मानता तो फिर वो लोग कभी भी तुमको ये पॉइंट सेवन टू पर आर नहीं देता क्योंकि फिर वन पॉइंट फाइव के अंदर पॉइंट सेवन टू आ जाता तुमको समझा जो मैंने बोला द फैक्ट दैट दिस एंड दिस आर सेपरेट ओके ऑब्वियसली अगर ये और ये अलग है मतलब मशीन ऑपरेटर्स वेजेस इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड्स And of इफ इट इज नॉट फैक्ट्री ओवर overheads, आगे बोलो तो उसके लिए दो ही ऑप्शन होते हैं अगर मशीन ऑपरेटर वेजेस नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट लेबर ही होगा ठीक है मैंने ये वाला चीज ना यहां पर लिख के रखा हुआ है वो देखना मशीन ऑपरेटर वेजेस इज अ डिस्प्यूटेड आइटम इट कैन बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवर फॉर ऑल सच डिस्प्यूटेड आइटम्स वी डू वट द कंपनी एज मशीन आर रेट इज गिवन सेपरेटली मशीन ऑपरेटर वेजेस मस्ट बी डायरेक्ट वेजेस अगर चाहो तो यहां पर भी एज मशीन आर रेट इज गिवन मशीन आर रेट बोले तो फैक्ट्री ओवर मशीन आर एज फैक्ट्री ओवर आर इज गिवन सेपरेटली मशीन ऑपरेटर्स वेजेस मस्ट बी डायरेक्ट ऑपरेटर बस अपना काम खत्म हो गया इट इज एज सिंपल एज दिस कॉम्प्लीकेट वो नहीं करते दे विल गिव यू सम हाउ की कंपनी का फंडा क्या है बस वो वाला फंडा फॉलो कर लेना दैट इज मोर देन ठीक है आगे जाके एक मिनट मेरे को जरा बोलो तुम लोग कॉस्टिट के अंदर भी तुमको मैंने डेट्स के लिए दो ऑप्शन दिया था मेरे को बोलो क्या दो ऑप्शन दिया था एस एंडी या, या फाइनेंशियल एक्सपेंस ओके वो भी एक डिस्प्यूटेड आइटम ही है एक बाद में एक चैप्टर आएगा पॉलिस रिकंसिलेशन तब भी मैं तुमको वही बोलूंगा कि ना वही करना जो कंपनी करता है अगर कंपनी का पॉलिसी किधर ना किधर से पता चल सकता है फिर आप वही क्या करो जो कंपनी करता है ठीक है तो यहां पे अभी यू ऑल राइट डाउन डायरेक्ट वेजेस यहां डायरेक्ट लेबर लिखोगे तो भी चल जाएगा अच्छा सुनो अभी एक नया लाइन भी बोलता है ओके जो अभी तक शायद तुम लोगों ने वो नहीं सुना था बट आई सी दैट डायरेक्ट लेबर इज द मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट एंड फॉर द टाइम वेन दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ओके okay, तो सर उसका मतलब एक वर्कर आया वो ना फैक्ट्री को झाड़ू भी मारता है और उसके बाद गुड्स का प्रोडक्शन भी करता है ऐसा हो सकता है ना वी कैन हैव द हाइब्रिड वर्कर्स यार ओके okay. जो अमाउंट उसको देते हो झाड़ू मारने के लिए दैट विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवर इट्स इनडायरेक्ट वेजेस ओके और जो अमाउंट उसको देते हो गुड्स बनाने के लिए दैट विल बी कॉल्ड एज वॉट डायरेक्ट वेजेस ठीक है ये लाइन मैंने क्यों बोला और ये लाइन मैंने जानबूझ के पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने वो वाला एग्जांपल नहीं दिया जो मेरे को वो देना था क्योंकि वो मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा ठीक है तो अभी के लिए एक चीज जरा समझ लेना प्रोडक्शन टाइम इज 140 सॉरी प्रोडक्शन टाइम इज 100 मिनट्स प्रोडक्शन टाइम इज थाउजेंड मिनट्स प्रोडक्शन टाइम इज टेन मिनट्स कैन वी से इन हंड्रेड मिनट्स के अंदर थाउजेंड मिनट्स के अंदर टेन मिनट्स के अंदर दो काम हो रहा है वर्कर मशीन चला रहा है और मशीन चल रहा है तो उस टाइम के लिए जब ही वर्कर मशीन चला रहा है जो उसको पेमेंट मिलेगा ओके दैट विल बी नथिंग बट डायरेक्ट वेजेस ओके तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस वर्कर का पेमेंट का रेट कितना था 0.72 लिखो इधर एक लाइन छोड़ के 0.72 0.72 इज फॉर वन आर टू इंटू सिक्स सॉरी डिवाइड बाय सिक्सटी और वर्कर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए टेन यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा हंड्रेड मिनट्स मैं बाकी दो भी लिख ही देता हूं पॉइंट सेवन टू अपॉन सिक्सटी इंटू थाउजेंड पॉइंट सेवन टू अपॉन सिक्सटी इंटू टेन थाउजेंड वन पॉइंट टू जीरो 12, 120, डिवाइड बाय टेन कर देना पॉइंट वन टू डिवाइड बाय हंड्रेड कर देना पॉइंट वन टू डिवाइड बाय थाउजेंड कर देना पॉइंट वन टू सब लोग टोटल आप करो बेटा प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो अच्छा तो प्राइम कॉस्ट 1.8 पॉइंट एट जीरो पॉइंट वन एट एटीन पॉइंट वन एट वन एटी पॉइंट वन एट ठीक है उसके बाद एड फैक्ट्री ओवर अच्छा ऑब्वियसली ये जो रेट था ना तुम्हारा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही तो रेट था ये वाला फैक्ट्री ओवर पर मशीन आर तो दिस इज 1.5 इट इज 1.5 पर आर नो डिवाइड बाय 60 करेंगे ऑबियसली इंटू मशीन कितने टाइम के लिए चल रहा है हंड्रेड मिनट जितने टाइम के लिए वर्कर उसको चला रहे कुछ और तुम्हारे दिमाग में वो आ रहा है तो दो मिनट के लिए वेट करना वो भी आ ही जाएगा यहां पर भी इन टू टेन थाउजेंड मिनट्स हो जाएगा तो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स जी इंटू हंड्रेड टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी डिवाइड by टेन डिवाइड by टेन डिवाइड by टेन अच्छा सुन 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 नाउ दिस इज मोस्ट अगर ऑनेस्टली मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं भी सिखाऊ ना मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम लोग ट्रायल एंड करके यहां तक तो पहुंच ही जाते क्योंकि यहां तक मैंने कुछ खास किया ही नहीं ठीक है और अगर शायद मैं तुम लोग को नहीं बोलता ना कि मशीन ऑपरेटर के लिए दो ऑप्शन वगैरह होता है तुम लोग उसको डायरेक्ट लेबर ही मानता क्योंकि वैसे भी फैक्ट्री ओवरहेड तो अलग से दिया हुआ है तो तुम लोग जब डायरेक्ट लेबर लिखते तो सोचते फिर सर की डायरेक्ट लेबर क्या होगा तो तुम लोग यही सोचते सर जो वर्कर मशीन चला रहे मतलब वो गुड्स ही तो बना रहे तो यहां तक तो तुम लोग पहुंच ही जाते तो तो गुड्स बनाने का खर्चा है लेकिन उससे पहले एक और खर्चा भी तो है मेरे को बोलो कौन सा सेटअप का खर्चा ना मशीन को सेटअप वगैरह तो करना पड़ेगा अगर उसके लिए टाइम लग रहा है उसके लिए खर्चा भी तो लग रहा है यार ओके तो अभी ना याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स का टेक्निकली दो पार्ट होएगा एक पार्ट जो आप लोगों ने लिख लिया है अगर आप लोगों के पास जगह है तो यहां पे ऐसे लिख लेना मशीन कॉस्ट क्योंकि वो मशीन आ रेट वो दिया हुआ था तो इसलिए मैंने मशीन कॉस्ट डाल दिया या फिर मशीन का रनिंग कॉस्ट आपको ऐसे भी लिखने का है यू ऑल कैन बी राइटिंग लेकिन उसके अलावा एक और कॉस्ट भी तो आएगा सो दिस विल बी वन एंड नाउ वट आई एम राइटिंग इज द सेकंड वन एंड दैट इज नथिंग बट सेटअप कॉस्ट सेटअप के वक्त खर्चे होते हैं यार अपने अच्छा सुन अभी ये चीज ना बराबर सुनना जिसने ना ये वाला क्वेश्चन बनाया और ने ही बनाया ओके okay. क्योंकि कई क्वेश्चंस वो होते हैं जो आईसीए ना आईसीडब्ल्यू से डायरेक्टली ढाप लेता है लेकिन दिस वाज नॉट दैट पर्टिकुलर ये आईसीए का खुद का वो क्रिएटिविटी था लेकिन ना उन लोगों को बराबर से ना कॉस्टिंग आता नहीं है बाद में जब तुम लोग ओवरहेड्स का चैप्टर वो करोगे ना तभी क्या होएगा आई एम टेलिंग यू ऑल इन एडवांस उस चैप्टर के अंदर देर विल बी टू टू डिफरेंट डिफरेंट रेट्स गिवन मशीन चलाने का खर्चा अलग होगा मशीन को सेटअप करने का खर्चा अलग हो उस चैप्टर के अंदर ऐसा होगा ठीक है लेकिन ना ये वाला चीज आईसी को नहीं मालूम है ठीक है ये वाला चीज आईसी को नहीं मालूम है इस क्वेश्चन के ना उन लोगों को मेरे को दो दो रेट देने चाहिए थे एक जब मशीन, मशीन अप हो है। और इन रियल लाइफ में ना क्या होता है सेटअप के खर्चे ना हमेशा ज्यादा होते हैं क्यों क्योंकि मशीन ओके तो कॉस्ट इज सुपर हाई ठीक है लेकिन वो वाला कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ तो अभी ना मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है दैन टू बी अज्यूमिंग कि जितना खर्चा मशीन के अंदर रन करने के लिए होता है आगे बोलो उतना ही सेटअप के लिए भी हो रहा है अभी और मैं किधर से मेरे खुद के फिगर्स तो मैं ला नहीं सकता ओके okay. बट इन रियल लाइफ सेटअप कॉस्ट आर यूजली मोर हेवियर एज कम्पेयर टू रनिंग कॉस्ट एक्साम्पल जब तुम लोग बाइक स्टार्ट करते हो तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है जब बाइक चलता रहता है तभी बैटरी बहुत कम कंज्यूम होता है ऐसा हर जगह पर होता है तो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस तो मशीन जब सेटअप हो रहा है ना आई एम अज्यूमिंग क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तब भी डेढ़ रुपए का खर्चा हो रहा है तो यहां पे लिखो 1.5 उधर ही लिखना जिधर मैंने लिखा लेकिन एक और चीज अभी मशीन सेटअप कौन करेगा कोई बंदा ही करेगा बट इन रियल लाइफ क्या होता है ना सेटअप इज अ टेक्निकल प्रोसेस एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं अभी यू ऑल माइट माइट बी बी नोइंग नोइंग नॉट आई डोंट नो लेकिन जब एप्पल इतने सारे फोन बनाता है उनके पास हर फोन के लिए अलग अलग मशीन्स होता है क्या नहीं होता है दे हैव सेम मशीन लेकिन जो इंजीनियर लोग होते हैं ना मशीन्स का सेटिंग्स वगैरह चेंज करते हैं ओके ताकि प्रोडक्ट वैसा बने जैसे उनको चाहिए ओके सेटअप इज अ टेक्निकल प्रोसेस वेयर एज रनिंग द मशीन इज अ नॉर्मल प्रोसेस यूजली टेक्निकल गाइस लाइक इंजीनियर्स एंड ऑल विल बी गेटिंग फार मोर पेड एज कंपेयर टू द वर्कर्स हुआ रनिंग तुमको ये चीज वो समझा जो मैंने बोला दोज गाइज विल ऑफकोर्स बी गेटिंग पेड मोर क्योंकि टेक्निकल पीपल ओके दे ट्राई टू डू द सेटिंग्स ऑफ द मशीन बीच में देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कलेबरेशन चेक दैट कि मशीन्स जो है बराबर से आपस में सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है okay? ओके अगर दो मशीन्स इकट्ठा काम कर रहा है उनका जो स्पीड है बराबर है कि नहीं अप सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके okay? Now, इस क्वेश्चन के ना उनको मेरे को देना चाहिए था कि जो लोग मशीन्स को सेटअप कर रहे हैं ना उनको हम लोग कितना पे करते हैं दे गिवन ये जो 1.5 है ना ये तो क्या है जब मशीन सेटअप हो रहा है तब मशीन के खर्चे क्या क्या हो रहे हैं लेकिन उससे पहले जो मशीन सेटअप करेगा उसको भी तो पेमेंट वो करना पड़ेगा वो वाला चीज नहीं दिया हुआ ओवरहेड्स के चैप्टर के ना दिया जाएगा ठीक तो अभी अगर नहीं दिया हुआ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू अज्यूम दैट द वर्कर हु इज रनिंग द मशीन आगे बोलो ज द सेम गायटअप द मशीन लेकिन याद रखना उसको सेटअप के लिए जो पैसा मिलेगा ना दैट विल नॉट बी डायरेक्ट लेबर कॉज दैट विल बी फैक्ट्री ओवर इसलिए मैंने एक लाइन को बोला था शायद अब परफेक्टली समझ में आई जाएगा एंड दैट लाइन वॉज की डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दो वर्कर्स हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड फॉर द टाइम वेन दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अगर वर्कर फैक्ट्री को झाड़ू मार रहा है दैट इज इनडायरेक्ट डायरेक्ट अगर फैक्ट्री मशीन को सेटअप कर रहा है लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो that will again be factory zone, तो दैट विल अगेन फैक्ट्री ठीक है सेटअप के वक्त एक तो मशीन सेटअप हो रहा है तो मशीन के खर्चे होंगे मशीन भी तो सेटअप हो ही रहा है तो मशीन के खर्चे होंगे प्लस वी एज्यूम दैटिंग मशीन इज अम गाय सेटअप द मशी तो यहां पर पॉइंट सेवन टू का खर्चा सेटअप के वक्त भी तो होगा लिखो जरा प्लीज अच्छा तुम लोग मेरे को वो बोलो ना मैंने वो पूछा ही नहीं मैं ये वाला जो डेटा है जो लिख रहा हूं वो इधर क्यों लिख रहा हूं इधर इधर और इधर क्यों नहीं लिख रहा हूं आप लोग जितने भी यूनिट्स बनाओ तुम्हारा सेटअप का खर्चा तो सेम ही होने वाला ना यार तो दिस इज द टोटल कॉस्ट दैट यू विल इनकर फॉर वन आवर वन आवर बोले तो सिक्सटी मिनट्स एंड सेटअप के लिए वन फोर्टी मिनट लग जाएगा सो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन टू डिवाइडेड बाई सिक्सटी 5.18, 5.18, 5.18, एट टेन से डिवाइड करना हंड्रेड से डिवाइड करना थाउजेंड से डिवाइड करना फैक्ट्री कॉस्ट ये तीनों चीजों का टोटल मारो कॉस्ट शीट अपनी खत्म करो हर जगह पर ठीक है ये फिनिश करो जीरो फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड करना है तो जीरो पॉइंट जीरो वो ही लिखाना, लिखाना बेटा पॉइंट जीरो लिखाना उधर यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करना होगा ना बेटा बेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है 10 बेटा तू पर यूनिट बना रहा है पर मिनट थोड़ी बना रहा है बेटा ये नाइन पॉइंट फोर एट आता है फोर्टी एट पॉइंट वन एट आता है फोर थर्टी फाइव पॉइंट वन एट आता है शायद हम्म सुनो hmm. so, इस क्वेश्चन के ना देखो मैंने शॉर्ट्स के अंदर ये वाला चीज वो लिखा हुआ है सेटअप कॉस्ट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ फैक्ट्री इट विल रिमेन सेम नो मैटर हाउ मेनी यूनिट्स वी प्रोड्यूस हम लोगों ने भी वो ही किया डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड मशीन ऑपरेटर्स वेजेस इन दैट ठीक है नाउ एक लाइन जरा वो लिखना एंड देन आई गेस विद फिनिश ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन देखो इन एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और ये वाला नोट एक्चुअली तो आईसीए को लिखना चाहिए था वो लोगों ने वो नहीं लिखा बट वी विल राइट इट इन एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी एज्यूम वेन मशीन इज बींग सेटअप रुपीज वन पॉइंट फाइव पर आर इज ओनली इंकर्ड और दूसरा मशीन ऑपरेटर इज ओनली रनिंग the machine sorry is only uh doing the setup of the machine hmm. या एग्जाम क्वेश्चन ऑननी बट दे शुड हेव जस्ट मेड द आंसर इन अ प्रॉपर वे अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स नो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंजिंग क्योंकि क्या है अभी तक आई हैड ओनली डिस्कस्ड वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विद यू यू ऑल नाउ इट इज अदर विल लव दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके यू विल लव हाउ ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट टू गेट ओके टूगे अभी जो आज मैंने किया है ना वो आप लोग भूल जाओ जो।, जो पिछले दो लेक्चर्स के अंदर किया था वो याद रखना वो याद रखना मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस जो इ्यू वाला थियर है वो याद रखना बस आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट ठीक है अभी जरा सोचो एक बार वी ऑल नो वी ऑल नो वी ऑल नो हाउ मच टू ऑर्डर मैं रॉ मटेरियल्स पर वापस आ गया आप लोग फिनिश गुड्स को भूल जाओ ठीक है और ऑप्टिमम कैश बैलेंस थियरी वो तो एफ एम के अंदर आता है उसको मारो बोली ओके नाउ इस पर वापस आ जाते हैं नाउ वी ऑल नो दैट इज उ मच टू ऑर्डर यार एक बार में कितना क्वान्टिटी ऑर्डर करूं ठीक है हम लोगों ने उसके लिए इतने सारे क्वेश्चन किए यूजली विल से वी विल से बेस्ट ऑप्शन वी यूजली से दैट की इतना अच्छा ऑप्शन है ठीक है लेकिन कभी कभी शायद कोई सप्लायर अपने को एक अच्छा ऑफर दे दे एंड इन एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर मी टू बी परचेजिंग इन okay? कल अपना पूरा का पूरा जो लेक्चर था उसी के ऊपर तो था क्यू वर्सेज्रीट डिस्काउंट ओके उस चैप्टर के अंदर जो क्यू था ना मैं अभी उसका नाम बदल देता हूं आई कॉल दैट एज आर ओ क्यू आरओ क्यू बोले तो री ऑर्डर क्वांटिटी ये वही है जो कल तक क्यू था बस मैं उसका नाम बदल रहा हूं और कुछ नहीं अभी वो ओ क्यू हो जाता है ओके रीऑर्डरिंग क्वांटिटी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर या रीऑर्डर मतलब बार बार हम लोग ये वाला क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं आर ओ क्यू कैन ईदर बी ईओ क्यू और इट कैन बी एनी अदर क्वांटिटी एक क्वानिटी चेक कर हम लोग मेरे ख्याल से चीज को रिजेक्ट कर देते दे थे क्योंकि कोई सप्लायर मेरे को ज्यादा डिस्काउंट देके दैट ऑप्शन बिकेम बेटर फॉर मी ओके मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया है और मैंने सोच के रखा है कि ना एक बारी में एक बारी में आई विल ऑर्डर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स ठीक है एक बारी में आई विल ऑर्डर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट ठीक है तो मैंने अपना कैलकुलेशन कर ले को बोलते सर ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड कहां से आया ये क्वेश्चन ने दिया अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया यू हैव टू वर्क आउट इज यू क्यू बेटर और इज दी ऑफर बेटर ओके एंड अकॉर्डिंगली वी ऑल हैव डिसाइडेड ठीक है तो मैं एक बारी में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने वाला हूं 2400. दिस इज द क्वांटिटी दैट आई विल ऑर्डर सो नाउ वी ऑल नो हाउ मच टू ऑर्डर बट नाउ द अदर बिग क्वेश्चन इज दिन टू ऑर्डर कब ऑर्डर करूं क्योंकि क्या था कि तुम्हारे ना EOQ की थेरी के अंदर एक थर्ड एजम्प्शन था कोई मेरे को बगैर पेजेस टर्न किए थर्ड एजम्पशन जरा बोलो थर्ड एजम्पन लीड टाइम इज जीरो ओके okay, लेकिन लीड टाइम तो होता है यार इन रियल लाइफ ये थोड़ी होता है कि लीड टाइम इज जीरो ओके okay, मैं जैसे ही डोमिनोज के अंदर फोन करता हूं पिज्जा दे तभी घंटी थोड़ी बचती है देर इज अ लीड टाइम अगर मेरा रॉ मटेरियल्स फॉरेन कंट्री से आ रहा है देर इज लीड टाइम ओके मेरा अगर जो माल है कोई और सिटी से भी आ रहा है देर इज लीड टाइम मैं अमेजोन से भी ऑर्डर करता हूं देर इज लीड टाइम मैं फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करता हूं देर इज लीड टाइम लीड टाइम के नॉट बी जीरो इन लाइफ लेट्स गेट क्लोजर टू द रियलिटीज लेट्स सी हाउ द थिंग्स फंक्शन इन रियालिटी ठीक है तो माई फर्स्ट थिंग इज कि आई नो हाउ मच टू ऑर्डर आई विल ऑर्डर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट एट वन टाइम ठीक है नाउ द क्वेश्चन फॉर टूडे इज वेन टू ऑर्डर भाई कब ऑर्डर करूं मैं कब ऑर्डर करूं इ्यू के अंदर यह वाला प्रॉब्लम नहीं आया अपने को क्योंकि िल्सन ने अज्यूम कर लिया था लीड टाइम इज जीरो तो जब स्टॉक जीरो हो जाता है आप ऑर्डर कर लो स्टॉक तभी आ जाएगा लेकिन वैसा रियल लाइफ के अंदर तो नहीं होता तो फिर क्या करें सो नाउ माय बिग क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हेन टू ऑर्डर व्हेन टू ऑर्डर मैं कब ऑर्डर करूं ओके यार हर एक कंपनी जो है ओके okay, कुछ ना कुछ एक टाइम पर ही ऑर्डर वो करती होगी मेरे को वैसे जरा बोलो जस्ट एनी डैम एग्जाम्पल दैट यू ऑल वॉन्ट टू बी गिविंग मी तुम्हारे घर में तुम लोग कोई भी चीज जो रोजमर्रा कंज्यूम करते हो शुगर ओके तुम लोग शुगर कभी खरीदते हो जब पहले वाला स्टॉक तो जीरो हो जाता है मैं वैसे पूछ रहा हूं अच्छा कोई बोल सकता है सर स्टॉक जब जीरो हो जाता है ना ओके हमारे घर के नीचे दुकान है सर हम उसको बोल देते हैं कि तू दे जा ओके मतलब इन योर एग्जाम्पल एक्चुअली लीड टाइम इज जीरो तुमको समझा ये चीज लेकिन कंपनी के लिए सप्लायर उसके नीचे नहीं बैठता होगा ओके तो ऑब्वियसली इन रियल लाइफ तो लीड टाइम होता है तो यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट इफ देर इज लीड टाइम नो यू कैन नॉट वेट फॉर स्टॉक टू बिकम कंप्लीटली जीरो तुमको समझा जो मैं बोला क्योंकि अगर सपोज स्टॉक जीरो हो गया फिर सप्लायर को मैंने बोला भाई मेरे को स्टॉक भेजना वो बोलता है चार दिन के बाद आएगा तो मेरे को जरा बोलो चार दिन तक मैं क्या करूं मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है मेरा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा ओके माय वर्कर्स विल कम टू द फैक्ट्री आई हैव मटेरियल ओनली टू गिव देम ताकि दे कैन कन्वर्ट रॉ मटीरियल टू फिनिश कुछ मैं तो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा सो इन रियल लाइफ वन ऑफ द बिग क्वेश्चन इज ब्लडी वेन टू ऑर्डर ओके और जरा सोचो वेन टू ऑर्डर के अंदर वी शुड ट्राई टू टेक इन टू अकाउंट समथिंग्स मोर ऑल्सो ऑबियसली वन थिंग इज दैट वी ऑल हैव डिस्कस डिस बोलो मेरे को जो अभी अभी डिस्कस किया लीड टाइम ओके एक अपने को लीड टाइम तो डिस्कस करना ही चाहिए जरा सोचो ना अगर सप्लायर बोलता है मैं एक दिन के अंदर माल तुमको वो पहुंचा देगा तो दैट टाइम लाइक यू नो यू कैन ऑर्डर थोड़ा सा लेट ऑल्सो ओके okay. लेकिन अगर कोई बोलता है मैं 20 दिन के बाद माल देगा okay. तो मतलब इन दैट पर्टिकुलर केस यूल मच बिफोर तुमको समझा इतना बट वन अदर थिंग दैट शुड मैटर इज दैट वॉट इज योर कंजम्पन अगर तुम्हारा कंजम्पन जल्दी जल्दी होता है ठीक है तुम्हारा कोई एक रॉ मटेरियल है जो बहुत फास्ट मूविंग है मतलब जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है ठीक अगर जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है ओके दैट शुड ऑल्सो अफेक्ट माई डिसीजन ऑफ वेन टू ऑर्डर ओके एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को जरा बोलो घर में सपोज देर आर टू थिंग्स ओके एक हो गया से शुगर ओके okay? जो सपोज देखो नो किसी को वो डायबिटीज है ठीक है अगर किसी को डायबिटीज है तो वो शुगर उसके घर में तो होगा ओके okay? लेकिन उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा कि कम होगा कम, कम कम होगा लेकिन जो सॉल्ट है शायद उसका कंजम्पशन तो जो है तो वो ज्यादा होगा तो जरा सोचो जिस चीज का कंजम्पशन ज्यादा होगा विल हैव टू ऑर्डर इट अगेन एंड अगेन नो

का फुल फॉर्म फुलर्डर लेवल दिस इज द लेवल एट एट यू यू ऑर्डर ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है मैं कुछ भी एक फालतू एग्जाम्पल दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनना एक्स एक्सिस पे क्या लिखेगा वो मेरे को भी नहीं मालूम वाई एक्सिस पे जो लिखेगा अभी के लिए तुमको वो बता रहा हूं स्टॉक लेवल सपोज मैंने अपना रीऑर्डर लेवल चार हजार यूनिट का फिक्स किया कुछ भी नंबर में ढाप रहा हूं ठीक है अभी ये चार हजार इज माई री ऑर्डर लेवल उसका मतलब क्या है स्टॉक गिरते 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 जब चार हजार के लेवल को टच हो जाएगा मतलब जब तुम्हारे पास सिर्फ चार हजार यूनिट बच जाएंगे ना टाइम फॉर यू टू ऑर्डर मे को बोलो हाउ मच विल यू ऑर्डर टू थाउजेंड फोर बट वेन विल यू ऑर्डर वेन स्टॉक लेवल विल टच फोर थाउजेंड ये फोर थाउजेंड जो है दिस इज कॉल्ड एज री ऑर्डर लेवल आज का अपना काम वही है अपने को सब चीजें कर डालना है ऑफ रीऑर्डर लेवल ठीक है रीऑर्डर लेवल अभी तो मैंने कुछ भी एक नंबर ढापा ओके लेकिन इन रियल लाइफ ये तो कैसे ना कैसे कंप्यूट ही करना चाहिए ना अपने को तो मैं बस तुम लोग को वही चीज सिखा रहा हूं दैट हाउ द हेल टू कंप्यूट रीऑर्डर लेवल ठीक है अभी रीऑर्डर लेवल हम लोग ना साइंटिफिकली कंप्यूट करने का ट्राई करेंगे ठीक है साइंटिफिकली कंप्यूट करने का ट्राई करेंगे साइंटिफिकली ठीक है उसके लिए तुम लोगों को कुछ डेटा दे रहा हूं ठीक है ये डेटा क्या है एक डेटा ऑलरेडी मैंने दे दिया है एंड दैट इज आर ओ क्यू एक बार में चौबीस सौ यूनिट ऑर्डर करेंगे ठीक है अभी उसके बाद और क्या डेटा दे रहा हूं देखो मैं ना इस कंपनी का ओनर था ये जो क्वेश्चन ट्वेंटी वन है ये मैंने ही बनाया है टू पुट मेनी थिंग्स इन साइड योर हेड बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस इज द ओनली क्वेश्चन ओके इन योर एंटायर बुक मतलब इन दिस चैप्टर विच हैज बीन लाइक यू नो विच इज द फुल्ली करेक्ट क्वेश्चन वंस आई डू दिस नो यू स्टार्ट टू फील कि सर आई सी ए आई जो क्वेश्चन ही पूछते हैं okay, ना ओके उसके अंदर जो डेटा होता है इट इज़ नॉट फुली करेक्ट वो तुमको इस क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा दैट्स वाय फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू ट्राई टू टीच यू ऑल एज इफ यू गुंड बी लर्निंग द परफेक्ट थिंग उसके बाद फिर मार्क्स वगैरह का बात वो कर ही लेंगे तुमको एग्जाम्स के ना क्या करना है दैट इज ऑलवेज अ वेरी सिंपल थिंग ठीक है हम लोग जो करते हैं दैट इज टॉप लेवल स्टाफ ओके उसके ऊपर आईसी अपनी लाइफ के अंदर भी वो नहीं पहुंचेगा अगर वो लोग कभी वहां तक वो पहुंच जाएगा हम लोग एक स्टेप ऊपर ही रहेगा हमेशा पढ़ो कंजम्पशन ऑफ पास टू कंटिन्यू इन फ्यूचर मैं इस कंपनी का ओनर था मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा मैंने उसको पूछा मेरे को जरा बताना भाई कि अपना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होता है ओके okay. मैंने उसको पूछा कि चल तू एक काम जरा कर मेरे को ना तू कंजम्पशन पर वीक बता एक हफ्ते के अंदर हम लोग कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं मेरे को बोलो रॉ मटेरियल तब कंज्यूम होता है जब ही क्या होता है प्रोडक्शन होता है तो मैंने उसको बोला कि तू सोच ले कि प्रोडक्शन अपना कितना होता है उसके हिसाब से मेरे को कंजम्पशन बता देना बोलता साहब कंजम्पशन कुछ फिक्स तो नहीं होगा साहब जब भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा आएगा तभी सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा करो साहब जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा तो साहब मैं आपको एक नंबर नहीं बता सकता मैंने बोला एक नंबर बताना मेरे को बोलता सर कंजम्पशन वेरी सर फ्रॉम वीक टू वीक मैंने बोला तो तू तो एक नंबर नहीं बता सकता बोलता सर मैं क्या आपको कोई भी एक नंबर थोड़ी बता सकता है कि इतना ही यूनिट्स कंज्यूम होगा एवरी वीक मैंने बोला ठीक है गेट आउट ओके वो चला गया मैं उसको बोला नहीं नहीं तू वापस आ तू एक काम जरा कर मेरे को ना लास्ट फिफ्टी टू वीक्स का एक रिपोर्ट भेज कि लास्ट फिफ्टी टू वीक्स के अंदर हर एक वीक हम लोगों ने कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है बोलता साहब आई विल सेंड यू दैट कंजम्पशन रिपोर्ट कि हर वीक के अंदर कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उस बंदे ने मेरे को ये वाला एक रिपोर्ट भेजा वीक वन वीक टू वीक थ्री थर्टी 18, 19, 36, 37, टू हर वीक के अंदर कितना कितना यूनिट कंज्यूम हुआ उस बंदे ने मेरे को भेजा तुमको भी दिखाई देगा और शायद रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होगा कि कंजम्पन विल बी डिफरेंट नो एज सच ओके कंजम्पन तो अलग अलग ही होएगा बॉस अभी मेरे को ना इतना सारा डेटा मिला कि यार हर वीक के अंदर इतना कंजम्प्शन होता है ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग डेटा ऑफ पास्ट एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर आई एम ट्राइंग टू बी डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर की फ्यूचर के अंदर मेरा रिओर्डर लेवल क्या होना चाहिए उसके लिए मेरे को डेटा चाहिए मैं डेटा किधर से लेके आऊ वन ऑफ द वे टू एस्टिमेट योर डेटा इज टू सी ऑर पास नो एग्जाम्पल अगर तुम लोग मेरे को आज पूछते हो सर हमको सी ए इंटर के अंदर कितना मार्क्स आएगा मैं बोलता हूं मेरे को थोड़ी मालूम है तो बोलते नहीं सर प्लीज बताओ ना सर मैं बोला कि मेरे को थोड़ी मालूम है तुम लोग बोलते नहीं सर आपको बताना तो पड़ेगा ही चाहे जो मर्जी हो जाए फिर obviously मेरे पास एक ही ऑप्शन है मैं तुमको पूछेगा Foundation के अंदर कितना marks मिला था तुम लोग बोलेगा इतना मैंने बोला उससे 7 कम अभी किसी को डॉट फिफ्टी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं प्लीज मैं एग्जाम्पल दे रहा था ओके okay. तो वन ऑफ द वेस्टिमेट योर फ्यूचर इज टू सी पास्ट पास नो एस ओके तो और क्या फिर okay. तो मेरे पास ये 52 टू नंबर आ गए ओके हर वीक के ना कितना कितना कंजम्पशन हुआ था मैंने क्या किया कि ना इस डेटा के अंदर से मैक्सिमम निकालने का ट्राई किया मेरे को जरा बोलो ये 52 टू ऑब्जर्वेशन के अंदर से आज तक मैक्स टू मैक्स मैंने कोई भी हफ्ते के ना कितना यूनिट कंज्यूम किया था 450 मेरे ख्याल से 450 एक पांचवे हफ्ते के अंदर भी है आगे बोलो और एक ट्वेंटी सेकेंड वीक के अंदर भी है ठीक है तो फोर फिफ्टी से ज्यादा ओके okay, आज तक कभी हुआ ही नहीं ठीक है सो आई अज्यूम कि फ्यूचर के अंदर भी ना साढ़े चार सौ से ज्यादा क्या होएगा यार ओके okay. कोई बोलता है सर इफ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट ऐसा भी हो सकता है देन यू ट्राई टू अप्लाई दो चेंजेस ओके देन पास्ट डेटा विल नॉट बी एग्जैक्टली अप्लाइड इन द फ्यूचर इट विल बी अप्लाइड विद सम चेंजेस ठीक है तो एक मिनट अगर आज तक साढ़े चार सौ यूनिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं हुए आई ओज्यूम की फ्यूचर के अंदर भी एक हफ्ते के अंदर आगे बोलो 40, 450 40 से ज्यादा वो नहीं ठीक है? आगे सेकेंड आई ऑल्सो थॉट हर हफ्ते मिनिमम टू मिनिमम कितना यूनिट्स कंज्यूम होगा 100, 100, 100 कौन से हफ्ते के अंदर था बेटा 45 ठीक है 100. तो 100 से कम अभी क्या होएगा? ठीक है 100 यूनिट्स ठीक है लेकिन अभी तुमको समझ में आएगा बेटा दीज आर एक्सट्रीम एंड्स ये हमेशा नहीं होता ये तो कभी कभार हुआ तुमको समझेगा दिस हैपेंड वन आउट ऑफ फिफ्टी टू टाइम्स चलो दिस हैपेंड टू तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं yes, yes. ये चीजों का ना होने का प्रोबेबिलिटी जो है ये चीजों का होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम है जो रोजमर्रा की लाइफ के अंदर होता है दैट इज एवरेज सुनो सर अभी मैं ना तुम लोगों को तीन क्वेश्चंस पूछता हूं ठीक है जरा वो सोचना आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सम ताकि ऑल बेकार आर टॉट बाय द बुक्स डोंट गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड मेरे को बोलो तू रात को चपाती खाता है ठीक है आज तक मैक्स टू मैक्स तूने एक बारी में कितना रोटी खाया मैक्स टू मैक्स मैक्स टू मैक्स सर सर मैं शादी में गया था ना मैंने एक बार पंद्रह रोटी जो है वो चेप डाला सर मैंने ओके दिस इज मैक्सिमम दिस इज मैक्सिमम दिस इज मैक्सिमम मेरे को बोलो लीस्ट ओके अज्यूमिंग लाइक यू नो चलो ठीक है लीस्ट लीस्ट तो क्या अज्यूमिंग बोलो लीस्ट तुमने आज तक कभी भी कितना खाया इन योर एंटायर लाइफ सर एक रोटी चलो ठीक है ओके अच्छा मेरे को जरा बोलो ऐसा कभी कबाद हुआ शायद टाइस और थ्राइस इन योर लाइफ टाइम ओके ऐसा भी शायद पांच छ बारी हुआ रहेगा नाउ आई लास्ट यू द अदर क्वेश्चन यूजली तो कितना रोटीस खाता है हा सेवन कौन बोलता है एक तो भैंस नहीं बनने का इधर सुनो मेरी बात तो इन दिस केस नो से दो रोटी ठीक है मेरे को जरा बोलो जब तुम लोगों ने दो रोटी या तीन रोटी वट एवर यू ऑल वॉन्टेड टू से डी डू टू दिस प्लस दिस अपॉइंट टू आई एम जस्ट आस्किंग नो एवरेज इज नेवर एवर कैल्कुलेटेड इन दिस मैनर ओनली ओके लेट बी गिव यू एनी डैम स्टूपिड एग्जाम्पल ऑल्सो सपोज आज के लेक्चर के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लिया ठीक है आउट ऑफ हंड्रेड किसी को नाइन्टी नाइन मिला किसी को पांच मार्क्स मिला एक मैक्सिमम था एक मिनिमम था मेरे को बोलो विल द एवरेज मार्क्स बी दिस प्लस दिस अपॉइंट टू सोच के बोलना तो को एवरेज निकालने के लिए क्या करना चाहिए सर सारे बच्चे लोगों के मार्क्स एड करो डिवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सो इज इट ओके ठीक है दैट इज करेक्ट वे दैट इज हाउ आई थिंक वी हैव बीन टॉट आर फाउंडेशन का का मैथ्स सर एवरेज निकालने है टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये चीज ना आईसी को एक्चुअली मतलब मालूम तो होगा लेकिन उनको सिखाना तो चाहिए था एटलीस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल ई वॉन्टेड टू फाइंड आउट एवरेज ऑब्वियसली अगर मेरे को एवरेज निकालने का है तो मेरे को जरा बोलो अपना मैथ्स क्या बोलता है वट विल बी एवरेज कंजम्पशन पर वीक वो कंप्यूट कैसे करूं इन सब का टोटल मारने का ठीक है इन सब का टोटल मारने का अभी आई डेंट वॉन्ट कि अपना यही वाला लेक्चर सिर्फ इसी कैलकुलेशन के लिए तो आधे घंटे का हो तो मैंने टोटल मार के रखा हुआ है ये वाला डेटा तो वो मैंने ही डाला इधर फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड वॉज अ ईयर इन मतलब इन फिफ्टी टू ओके, फोर फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड आगे बोलो डिवाइड बाई फिफ्टी टू तो दिस इज थ्री हंड्रेड ठीक है ये तीन नंबर्स मैं तुमको बोलता हूं आज तक मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते के अंदर कितना यूनिट्स कंज्यूम किया फोर फिफ्टी फ्यूचर के अंदर भी मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा कंजम्पशन होगा हंड्रेड तो होएगा ही होएगा बॉस चाहे जो मर्जी हो जाए उससे कम तो कभी भी नहीं हुआ ठीक है लेकिन ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स का कंजम्पशन होना चाहिए थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इज नेवर दिस प्लस दिस अपॉन टू इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद देम ठीक है नो थ्री हंड्रेड की कैलकुलेशन के अंदर वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन और टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर 450. I know that one of the observation was 100, but 300 is not only determined by these two figures. Is this understood? Yes. ठीक है अगर मैं कभी तुमको probability का chapter सिखाऊं जो कल का अपना last part था तो तुमको इतना समझ में आएगा मेरे को बोलो सबसे ज्यादा chance किस चीज के होने का है सबसे ज्यादा chance किस चीज के होने का है शायद 300. ओके okay. yeah. आप लोग इसको नॉर्मल कंजम्प्शन बोलो आप लोग इसको एवरेज कंजम्पशन बोलो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन बोलो जो भी बोलने का है इन दोनों के होने का चांस ऑब्वियसली सबसे कम है अगर प्रोबेबिलिटी निकालू दिस इज टू बाई फिफ्टी टू प्रॉबिबिलिटी निकालू दिस इज वन बाई फिफ्टी टू नो एज सच ओके यूजली यू शुड कंज्यूम अराउंड थ्री हंड्रेड इज इज ओके ठीक है good. तो यू ऑल नो कंजम्पशन पर वीक यू ऑल नो हाउ मच टू ऑर्डर एट वन टाइम ओके okay, उसके बाद लास्ट डेट आ तुम लोग को दे रहा हूं ऑब्वियसली लीड टाइम के बारे में बेटा बात तो करना पड़ेगा लीड टाइम लीड टाइम इन वीक्स दे रहा हूं क्योंकि कंज़म्पशन भी पर वीक दिया था लीड टाइम इन वीक्स दे रहा हूं क्योंकि कंज़म्पशन भी पर वीक दिया था मैंने सप्लायर को पूछा मैंने उसको पूछा सुन अगर मैं तेरे को आज ऑर्डर प्लेस करता हूं कितने हफ्ते के अंदर माल डिलीवर करेगा बोलता साहब कुछ फिक्स तो नहीं है शायद तीन हफ्ते लग जाए शायद चार लग जाए शायद पांच लग जाए शायद छह लग जाए बोला एक नंबर बताना बोलता साहब एक नंबर कैसे बताऊं अगर मेरे पास और लोगों के भी ऑर्डर होंगे फिर आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा सर अगर मेरे पास और कुछ काम नहीं होगा फिर आपका ऑर्डर जल्दी से कंप्लीट कर देगा बोला एक नंबर बताना बोलता सर एक नंबर तो मैं बता ही नहीं सकता बोला गेट आउट ओके उसको भगा डाला मैंने लेकिन दिस सप्लायर वॉज वेरी गुड मैंने आज तक इसी से माल खरीदा है, फ्यूचर के अंदर भी इसी से ही खरीदूंगा इसका क्वालिटी इज वेरी गुड तो मैंने क्या किया इस बंदे के ना लास्ट थर्टी ऑर्डर्स का मैंने लीड टाइम कंप्यूट करवाया थर्टी ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ओके लीड टाइम ऑफ लास्ट थर्टी ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑर्डर नंबर वन जब उसको फर्स्ट टाइम आउट ऑफ थर्टी ऑर्डर मैंने उसको एक बार ऑर्डर प्लेस किया था वो सवा पांच हफ्ते के बाद आया फाइव पॉइंट टू वीक्स के बाद आया जैसे ही फाइव पॉइंट टू वीक्स के बाद आया मैंने उसको एक लाफा मारा बोला नेक्स्ट टाइम जल्दी आने का बोलता पहले बोल देते लाफा क्यों मारा नेक्स्ट टाइम वो और लेट आया सला फाइव पॉइंट फाइव एट वीक्स फिर थोड़ा सा सुधरा फोर वीक्स फिर उसके बाद थोड़ा सा और बिगड़ गया ऐसे करते 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 थर्टी ऑर्डर का डेटा मैं तुम लोग को दे रहा हूं कि हर एक ऑर्डर कितने वीक्स के अंदर डिलीवर हुआ था अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा नाउ यू ऑल नो आई बी आस्किंग सो टेल मी डायरेक्टली मेरे को जरा बोलो वट इज मैक्सिम वट इज मिनिमम वट इज मैक्सिमम सिक्स मेरे को बोलो सिक्स कौन से हफ्ते कौन से ऑर्डर के लिए था बेटा एट ठीक है तो दिस इज सिक्स ठीक है मेरे को बोलो वट इज मिनिम ट्वेंटी थर्ड ऑर्डर के अंदर ओके थ्री ठीक है वो सर्कल जो है वो कोई और चीज हो रहा है वो एक मिनट वो भूत आ जाता है मेरे लैपटॉप के अंदर जिस जैसे हा ठीक है तो दिस इज मैक्सिमम दिस इज मिनिमम बट आई डोंट वांट मैक्सिमम और मिनिमम आई आल्सो वांट एवरेज बॉस मेरे को बोलो एवरेज कैसे निकालेगा डायरेक्टली बोल दो फाइव वीक्स ना ओके फाइव वीक्स दैट इज टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इसका टोटल तो मैंने करके रखा हुआ इसका जो टोटल है बेटा वन फिफ्टी है ठीक है मैंने यहां पर वो दिखाया हुआ है तो डिवाइडेड बाई इन दिस केस थर्टी ऑर्डर तो आंसर आ जाएगा फाइव तो यही चीजें मैं इधर लिखता हूं मैक्सिमम लीड टाइम सिक्स वीक्स मिनिमम लीड टाइम इन दिस केस इज थ्री वीक्स बट एवरेज नॉर्मल या एक्सपेक्टेड आपको जो भी बोलने का है इल बी वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थर्टी दट इज फाइव वीक्स ठीक है चलो सुन ध्यान से सुनना मेरी बात यही वाला डेटा बस अभी सोचते रहते हैं मेरे को और कोई डेटा नहीं चाहिए फ्यूचर के अंदर भी जब भी मैं ऑर्डर करूंगा मैक्स टू मैक्स मेरे को बोलो कितना टाइम लग सकता है फॉर द डिलीवरी मैक्स टू मैक्स सिक्स सिक्स मेरे को बोलो मिनिमम कितना टाइम लगेगा ही लगेगा थ्री उसे जल्दी माल नहीं आ सकता लेकिन यूजुअली कितना टाइम लगना चाहिए फाइव ठीक है फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन इन लाइफ बट आई थिंक दीस कुड बी द नंबर्स दैट आई कैन यूज फॉर माई कैलकुलेशन दे टेक इन टू अकाउंट वर्स थिंग्स दैट कैन हैपन गुड थिंग्स दैट कैन हैपन एंड यूजुअल थिंग्स दैट विल हैपन ठीक है अब मेरे को क्या कंप्यूट करवाने का है जिसके लिए आज हम लोग मिले रीऑर्डर लेवल आई वॉन्ट टू बी फाइंडिंग आउट रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच यू ऑर्डर अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूं सुन तुम लोग ना अपने नोटबुक्स के अंदर क्या करो एक ऐसा ग्राफ जरा बनाओ तुम लोग एक टाइटल दे दो वेंग टू ऑर्डर एक टाइटल दो वेंग टू ऑर्डर और उसके बाद ना पहले ये वाला डेटा जरा लिखना ये वाला डेटा लिखो तुम लोग यहां पे एक लाइन ब्लैंक रखना जिधर मैं ग्रीन हाईलाइटिंग कर रहा हूं मेरे को इधर एक लाइन की बाद में जरूरत पड़ेगी वो बाद में फिलअप करवाऊंगा सुन एक सेकेंड से ना एक सेकेंड एक, एक सेकेंड चलो सुनो जो आप लोग ग्राफ बना रहे हो ना मेरे को बोलो तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ एक मिनट के बाद बनाओ मेरे को बोलो मैक्सिमम लीड टाइम बेटा कितना था मैक्सिमम सिक्स वीक्स तो मैं क्या कर रहा हूं एक्स एक्सेस पे ना एक्स एक्सेस पे लीड टाइम प्लॉट कर रहा हूं लीड टाइम इन वीक्स सिक्स के ऊपर मेरे को जाने का मन ही नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा लीड टाइम मेरे एग्जाम्पल के अंदर ही नहीं है और एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सेस पे प्लॉट कर रहा हूं कि मेरे गोडाउन में इस रॉ मटेरियल का कितना यूनिट्स पड़ा हुआ है दो so हजार उसके बाद तीन हजार उसके बाद चार हजार और उसके बाद पांच हजार मेरे को उसके ऊपर की जरूरत वो नहीं पड़ेगी ठीक है तुम लोग ये वाला चीज बनाओ जरा प्लीज स्टॉक लेवल इन यूनिट्स लीड टाइम इन वीक्स टाइटल मत दो दैट्स ओके okay. तो उसके बाद बस वो यही वाला चीज बना दो दैट्स ओके okay. कोई टाइटल वगैरह मत दो चलो सुनो मेरी बात देखो अभी रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है इट इज लेवल एट विच यू ऑर्डर जरा सोचो ना अगर मैंने तुम लोग को ऐसे बोला रीऑर्डर लेवल इज थ्री थाउजेंड मिनिट्स ठीक है मतलब जब स्टॉक गिरते 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 तीन हजार यूनि तक पहुंच जाएगा टाइम फॉर यू टू तो ऑर्डर टेल मी वन नंबर हाउ मच विल यू ऑर्डर टू थाउजेंड फोर दिस इज द क्वांटिटी विच यू ऑर्डर वो अपना कल वाला चैप्टर बट दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस वेन यू ऑर्डर ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर जरा सोचो आज मेरा स्टॉक पांच हजार है ठीक है ऑर्डर नहीं करने का स्टॉक गिर रहा है स्टॉक गिर रहा है स्टॉक गिर रहा है चार हजार तक टच हो गया एक तो कई लोग सोचता रहते हैं सर स्टॉक क्यों गिरता रहता है उसको पकड़ के रखो बेटा स्टॉक गिर रहा है मतलब स्टॉक कंज्यूम हो रहा है तो स्टॉक का लेवल गिर रहा है ठीक है तो इन दिस केस नो स्टॉक चार हजार यूनिट तक पहुंच गया आज ऑर्डर नहीं करने का गिरते 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 तीन हजार दो सौ तक पहुंच गए प्लेस गया। जैसे तीन हजार तक टच हुआ टाइम फॉर यू टू ऑर्डर अगेन आई एम सी हाउ मच विल यू ऑर्डर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बट वेन विल यू ऑर्डर वेन स्टॉक लेवल टच इज थ्री थाउजेंड और अभी तुमको एक चीज समझ में आ जाएगा आर ओ एल कैनॉट बी जीरो इन लाइफ क्यों जो बता सर्वाइव कैन नॉट बी जीरो जरा सोचो ना स्टॉक गिरते 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 जीरो तक पहुंच गया और फिर तूने ऑर्डर प्लेस किया ठीक है स्टॉक लेवल जीरो हो गया मतलब तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं बचा फिर तुमने ऑर्डर प्लेस किया मेरे को जरा बोलो अगर ऐसा हुआ तो पक्की बात है तेरे साथ क्या होगा पक्की बात है तीन हफ्ते तक तेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तुमको तीन हफ्ते समझा पक्की बात है तीन हफ्ते तक तो बंद हो ही जाएगी तुमको समझा तो लेकिन यूजुअली लेकिन यूजुअली पांच हफ्ते तक फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर तेरी फूटी किस्मत होगी आगे बोलो तो छह हफ्ते के लिए भी बंद हो ही सकती है दैट डिपेंड्स अपॉन की सप्लायर साला कब आएगा यार ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं तुमको क्या बोलता हूं मेरा आर का एक फंडा है ठीक है एटलीस्ट फॉर सी इंटर वो वाला फंडा इज ट्रू इन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द क्वेश्चन और वो फंडा क्या है मे को रिस्क नहीं लेने का है आई वॉन्ट टू बी फिक्सिंग माई आर ओ एल विथ जीरो परसेंट रिस्क जीरो परसेंट रिस्क का मतलब क्या है कि मेरे साथ बुरे से बुरा हो जाए दुनिया में सबसे बड़ी पनौती तू यू ओके लेकिन एक भी दिन ऐसा ना जाए वेन यू डू नॉट हैव स्टॉक्स विद यू आर ओ एल ऐसे लेवल पर फिक्स करो कि तुम्हारे साथ बुरे से बुरा हो जाए सबसे बड़ा मनुस तू ही हो ओके लेकिन एक भी दिन ऐसा ना जाए जब तेरे पास स्टॉक ना हो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात डेटा तुम्हारे पास है कैलसी तुम्हारे हाथ में है अकल भगवान ने दी है यूज करो मेरे को बोलो वट शुड बी माई री ऑर्डर लेवल एक मिनट से पहले नहीं बोलना नाइन्टी परसेंट गलत ही होगा एक मिनट लो आराम से एट वट लेवल शुड आई ऑर्डर एक एस, अपना डेटा देखते रहना जो तुम लोगों ने नोटबुक्स के अंदर लिखा है एक ऐसे लेवल पर ऑर्डर करना कि तेरे साथ बुरे से बुरा हो जाए बुरे से बुरा हो जाए यू शुड हैव ऑलवेज यू शुड ऑलवेज है आंसर बोलो मेरे को एक बंदे का आंसर बस करेक्ट आया अभी तक दो बंदे लोग का आंसर करेक्ट आया तीन लोगों का कुशाल सोनी करेक्ट है शफाक अंसारी करेक्ट है देव पटेल करेक्ट है ऊपर भी एक बंदा करेक्ट था परशुआ करेक्ट है करेक्ट है सुनो चलो नाउ आई स्टार्ट ऑफ कुनाल सर भी करेक्ट है लिस सोच के बोलना मेरे को अपनी तरफ से आर ओ एल एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि तेरे साथ बुरे से बुरा हो जाए यू ऑलवेज नो तो मेरे को जरा ये डेटा देख के बताओ ये वाला डेटा देखकर बताओ वर्ड्स टू वर्ड तेरे साथ क्या हो सकता है वर्ड्स टू वर्ड वर्ड टू वर्ड्स सप्लायर विल बी कमिंग इन सिक्स वीक्स उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता और इधर भी सबसे बुरा क्या हो सकता है कि यू विल बी कंज्यूमिंग 450 फिफ्टी यूनिट्स पर वीक उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो अब जरा सोचो मैं फोर फिफ्टी इंटू सिक्स मारा तो आंसर आ गया 2700 खुद ब खुद जरा सोचो 2700 थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज लेवल इट इज योर बेस्ट रीऑर्डर लेवल इट इज बेस्ट बिकॉज इट इज सेफेस्ट जरा सोचो ना एक बार गिरते 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 2700 तक टच हो गया तू ऑर्डर कर दे तेरे साथ बुरे से बुरा भी होएगा ना आगे बोलो तो आउट नहीं होएगा तेरे साथ ओके okay. एग्जांपल जरा सोच ना आर ओ एल दो फिक्स कर लिया ठीक है 2700 फिक्स कर लिया आज स्टॉक अपना पांच हजार था ऑर्डर नहीं करने का स्टॉक गिर रहे स्टॉक गिर रहे साढ़े चार तक पहुंच गया ऑर्डर नहीं करने का तीन तक पहुंच गया ऑर्डर नहीं करने का दो हजार नौ सौ तक पहुंच गया ऑर्डर नहीं करने का दो हजार सात सौ तक जैसी स्टॉक पहुंचा सप्लायर को बोलने का भाई स्टॉक भेजना मेरे को उसने आज स्टॉक का ऑर्डर लिया है ठीक है उसको स्टॉक भेजने के लिए टाइम जाएगा तुमको ये लाइन समझ में आती है कि जब तक सप्लायर स्टॉक नहीं भेजेगा मेरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन और कंजम्पशन तो चालू रहेगा ये लाइन समझ में आती है ठीक yes, है no, 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 no. तो जरा सोच कि तूने 2700 यूनिट्स के लेवल के ऊपर ऑर्डर किया ठीक है अभी दो लाइन बोलता हूं बराबर से सुनना यूजली फैक्ट्री शुड कंज्यूम थ्री हंड्रेड यूनिट्स पर भी यूजली सप्लायर शुड कम इन फाइव वीक्स लेकिन इससे बुरा भी तो हो ही सकता है ना बुरा वक्त आएगा तेरे को बताकर तो नहीं आएगा बुरे से बुरा तेरे साथ क्या हो सकता है सर फैक्ट्री विल कंज्यूम फोर फिफ्टी यूनिट्स एंड सप्लायर विल कम इन सिक्स वीक्स वैसे तुमको बोलता हूं इसका होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है तो बोलते सर क्यों जरा सोचो ना वैसे भी 450 फिफ्टी यूनिट्स पूरे पिछले साल के अंदर कितनी बार हुआ था दो बार हुआ बोल था बोल तुम लोग ऐसा बोलता है कि सर अगर साढ़े चार सौ यूनिट कंज्यूम होने स्टार्ट हो गए और एंड एंड छह हफ्ते तक लगातार ऐसा होता रहा तो अपने को कितने यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी दो हजार सात सौ तुमको समझ में आएगा कि अगर तूने 2700 के लेवल के ऊपर ऑर्डर किया इवन इफ दैट स्मॉल चांस वाला थिंग हैपेंस यू आर स्टिल सेफ नो जरा सोचना, स्टॉक गिरते 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 2700 तक टच हो गया उसके बाद इस बार सच्ची के अंदर साढ़े चार सौ यूनिट कंज्यूम होते गए और ऐसा छह हफ्ते तक चलता रहा ऑनेस्टली इस चीज हो, इस का होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि एक बार साढ़े चार सौ होगा उसका भी चांस बहुत कम है सप्लाई छह हफ्ते के अंदर आएगा उसका भी चांस बहुत कम है साढ़े चार सौ इकट्ठा छह बार होता रहेगा उसका चांस ऑलमोस्ट जीरो है तुमको समझा बट ऑलमोस्ट जीरो इज नॉट जीरो नो करेक्ट नो ऑलमोस्ट जीरो इज नॉट जीरो नो आई नो दैट यू ऑल विल पास इन सी ए इंटर आई नो दैट But there is a small chance that you might fail, no? It is not zero, no, as such. There is a small chance that you all might fail, no? Okay. So, almost zero is not zero. I try to be thinking, worse to worse, ho na, worse to worse. Ho then also, I want to be 100% safe in life. Worse to worse happens, I'm, I want to be 100% safe in life. That's it. Okay. But, what khatam So, 415 to 6 should be my best reorder level. Okay. तो एक मिनट मेरे को बोलो ये टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का अगर फॉर्मूला बनाने का रहेगा मेरे को बोलो तुमको टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड कैसे मिला बेटा इट इज मैक्सिमम कंजम्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ठीक है एक मिनट के लिए रुको कुछ लिखना नहीं फोर फिफ्टी इंटू सिक्स ठीक है आंसर नहीं लिख रहा हूं फॉर सम रीजन जरा सोचो ना स्टॉक गिरते, गिरते 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 दो हजार सात सौ को टच हो गया जो चीज मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मेरे साथ होएगा इस बार सच्ची में होना स्टार्ट हो गया फैक्ट्री सच्ची में स्टार्टेड टू कंज्यूम 450 फिफ्टी यूनिट सप्लायर सच्ची में केम आफ्टर वीक्स कैन वी से अगर ऐसा होएगा तो आफ्टर सिक्स वीक्स स्टॉक्स विल एग्जैक्टली बिकम जीरो ऑल्बो देर इज नथिंग टू बरी क्योंकि सिक्स वीक्स आर ओवर सप्लायर विल सेंड द न्यू स्टॉक ऑल्सो सो दैट नॉट अ प्रॉब्लम ओके लेकिन कैन वी से तेरी जिंदगी का एक माइक्रो सेकंड तो हो सकता है स्टॉक इज़ जीरो मेरा ना हार्ट जो है ना बहुत वीक है ठीक है मेरे को लगता है अगर स्टॉक कभी जीरो हुआ ना यमराज आएगा मेरे को लेके जाएगा ओके मेरा हार्ट बहुत वीक है मेरे को ऐसा लगता है अगर वर्स टू वर्स टाइम्स आल्सो कम्स नो इवन इन माय वर्स टाइम्स

2800. यू इंक्रीज दिस ओनली नो बाय 100 एक काम जरा करो तुम लोगों ने एक लाइन रखा था वहां लास्ट डेटा जरा लिखो बफर स्टॉक बफर स्टॉक. हंड्रेड यूनिट्स बेटा हंड्रेड यूनिट्स चलो तो एक सेकेंड अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा रिओर्डर लेवल टू थाउजेंड एट हंड्रेड हो जाएगा जरा सोचो अगर कभी दो हजार आठ सौ होता है अगर कभी वर्स टू वर्स भी हुआ तो दो हजार आठ सौ के अंदर से आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो दो हजार सात सौ यूनिट जो है कंज्यूम हो जाएंगे जब तक सप्लायर आएगा फिर भी तेरे पास हंड्रेड यूनिट्स तो बच जाएगा ना यार दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी नथिंग बट बफर स्टॉक तो अभी तुम लोग ना आर का कंप्लीट फ वो बता देता हूं जो आईसी ने लिखा है वो लोग तो लॉजिक वो नहीं बोलता बट नाउ वी ऑल नो आई थिंक मैक्सिमम कंजन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक इफ एनी अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो ही बफर स्टॉक वो लेने का वरना वो जीरो है तो प्लस हंड्रेड तो यहां पर आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा दो यूनिट इज दिस ऑल ओके तुम्हारे ग्राफ के अंदर ये लाल वाला चीज लिखो और ग्राफ के नीचे ये वाला चीज आर ओ एल का फॉर्मूला लिखो उसका आंसर लिखो so, बोलो अगर हम लोग सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड में थोड़ी देर के अंदर आई माई सेल्फ विल आस्क यू दैट क्वेश्चन तब तक अपने क्वेश्चन का तू आंसर तू सोच ठीक है जब मैं तेरे को वो वाला क्वेश्चन वो पूछूंगा तब तुम मेरे को आंसर करने का ट्राई करना आई आम विल आस्क यू दैट क्वेश्चन टिल द टाइम यू कैन ट्राई टू स्ट्रगल एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दैट ठीक है बोलो, तुर। बोलो। मैडम मैंने एक लाइन स्पेशली बोला डेटा ऑफ पास्ट एक्सपेक्टेड टू तो कंटिन्यू इन फ्यूचर ठीक है इफ यू थिंक फ्यूचर इज गोन्न टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर पास यू एस्टिमेट योर फ्यूचर एंड देन बेस्ड अपॉन दैट यू कम्प्यूट नो आई टोल दैट लाइन आई थिंक अगर देखो लगता है कि द फ्यूचर ट्रेंड्स विल नॉट सॉरी द पास ट्रेंड्स विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर यू गिव मी द डेटा बेस्ड अपॉन यूर एस्टिमेशन आई विल टेक दैट डेटा आई विल कंप्लू आई एग्जैक्टली टोल दिस वर्ड्स ओके चलो सुनो अभी तुम लोग क्या करो तुम लोग सात मिनट का ब्रेक लो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स वगैरह वो आने चाहिए ठीक है सात मिनट के बाद आप लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है तुम्हारा जो बड़ा ब्रेक है वो बाद में आएगा मेरे को ये वाला पार्ट कवर अप करना है उसके बाद ब्रेक आएगा ठीक है सेवन okay. मिनट्स का ब्रेक लो उसके बाद स्टार्ट करते चलो सुन, स्टार्ट करते हैं एक मिनट चल जिस स्टार्ट करते हैं अभी देखो आर ओ एल इज यूजली अ गाइडलाइन फॉर आर द गाइडलाइंस फॉर स्टॉक चेकर्स स्टॉक चेकर कौन होते हैं स्टॉक चेकर्स आर दोज पर्टिकुलर पीपल हु आर देयर इन द स्टोर हाउस जहां पर रॉ मटेरियल रखा जा रहा है उन लोगों को गाइडलाइन दिया जाता है कि भाई स्टॉक लेवल जब इतना पहुंच जाए ना इतना बोले तो 2800 टाइम फॉर यू टू ऑर्डर नाउ मेनी ऑफ दीज डूइंग टुडे ओके ऑनेस्टली दे आर स्लाइटली आउटडेटेड क्योंकि अभी ये चीजों का ऑटोमेशन हो चुका है बट आई स्टिल थिंक दैट यू शुड बी अवेयर कि जब भी ये चीजों को ऑटोमेट किया था वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उन लोगों ने ये वाले लॉजिक अप्लाई किए हुए हैं ओके ओके यू यू शुड बी नोइंग दैट ताकि इन फ्यूचर इफ एवर यूज पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यू शुड ऑलवेज बी नोइंग हाउ सॉफ्टवेयर गिव द रिजल्ट ओके सॉफ्टवेयर कोई भगवान नहीं होता दे इज अ सर्टन काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम दैट इज अप्लाइड एक मिनट एल्गोरिदम का मतलब तो समझ में आता है थैंक यू तो देर इज अटन लॉजिक दैट इज अप्लाइड वेल राइटिंग द सॉफ्टवेयर ओके दैट लॉजिक इज दिस पर्टिकुलर बात सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट थिंग ओके यूट क्या है आजकल मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज का जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटेड ही है अभी एमेजॉन थोड़ी कंट्रोल करता है कि लाइक नो स्टॉक लेवल कितना है ये वो वगैरह आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल अभी हम लोग अपना सी ए फाइनल के अंदर केस स्टडीज वगैरह कुछ ना कुछ है इन सी ए फाइनल इन माई पोर्शन अभी उसका जो बुक्स है वी सेल ऑन एमेजॉन ओके एंड वी गेट लाइक यू नो गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम एमेजोन तो हम लोगों ने लाइक यू नो शायद ये वाला चीज कभी वो देखा होगा एम नॉट वेरी श्योर कई सेलर्स के उधर लिख लिक कर आता है कि फुलफिल्ड बाई अमेजॉन तुमको मालूम है ऐसा yes, कई सेलर्स के उधर आता है yes, अभी फुलफिल्ड बाई अमेजोन का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल मैंने वो वाला ऑप्शन वो नहीं लिया हुआ वी इट आर सेल्फ ऑन लेकिन अगर मैं वो वाला ऑप्शन लूँ लाइक यू नो कि फुलफिल्ड बाई एमेजॉन तो एमेजॉन मेरे को जितनी फ्रीक्वेंटली मेरे ऑर्डर्स वगैरह तो वो आते हैं ना उसके हिसाब से मेरे को एक मेल भेजता है कि आप हमको सौ बुक्स भेज दो ठीक है तो सौ बुक्स जो हैं इन दिस पर्टिकुलर केस वो लोग अपने पास रखते हैं ठीक है दे कीप इट इन देयर वेयर हाउस दे ऑल है सिटी दे so टेल कि आप सौ बुक्स आप उधर भेज दो तो मैं भेज देता हूं उधर ठीक अगर मैंने वो वाला ऑप्शन वो लिया रहता जो मैंने वो नहीं लिया हुआ तो इन दैट पर्टिकुलर केस बेस्ड अपॉन हाउ फ्रीक्वेंटली माई ऑर्डर्स कम उनका ऑटोमेटेड सिस्टम आर ओ एल कंप्यूट कर लेता है सपोज जो आर ओ एल उन लोगों ने कंप्यूट किया सपोज वो दस बुक्स किया तो जब भी एक ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली उनका जो स्टॉक है 100 से 99 हो जाएगा 99 से 98 हो जाएगा जब वो गिरते 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 25 तक पहुंच जाता है ना आगे बोलो तो मेरे को एक ऑटोमेटेड मेल जाता है कि भाई अभी स्टॉक जो है ना इतना ही रह गया है आप और बुक्स और 100 बुक्स आप भेज दो तो, ओके जब तक मेरा बुक्स उनको वो नहीं मिलेगा उनके पास 25 बुक्स तो है ना फिर भी ओके okay. yeah. तो ये चीज है ना अभी दीज आर विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन ओके बट देन दिस चैप्टर ट्राइज टू टीच यू हाउ दो सिस्टम्स हैव बीन डेवलप सो मेनी थिंग्स दैट आई माइट से आर नॉट एप्लीकेबल इन टू डेज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन आई एम अवेयर ऑफ दैट आई एम ओनली टेलिंग यू दीज पर्टिकुलर थिंग्स ओके बट ठीक है आर जॉब इज स्टिल टू बी लर्निंग सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू ठीक है ये वाला काम हो गया आर ओ एल इज यूजअली फॉर इन दिस केस द स्टॉक कीपर्स स्टॉक कीपर को मैंने बोल दिया कि भाई 2800 पर स्टॉक पहुंचेगा ना तेरे को सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने का है। लेकिन यार ना स्टॉक चेकर्स जो होते हैं ना दे आर यूजुअली अंडर द परचेज मैनेजर परचेज मैनेजर इज देयर नेक्स्ट सीनियर पर्सन तो क्या होता है जब भी स्टॉक लेवल 2800 को टच होता है ना तो वो लोग का काम है कि परचेज मैनेजर को बोलो कि भाई सप्लायर को एक ऑर्डर प्लेस कर दो अगर ये चीज के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है अल्टीमेटली परचेज मैनेजर इज सीनियर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ठीक है अगर स्टॉक चेकर ने नहीं इन्फॉर्म किया देन इन दैट केस इट इज एक्चुअली द मिस्टेक ऑफ द परचेज मैनेजर क्योंकि वो उसी के अंडर काम करता है ठीक है नाउ लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट स्टोरी एंड वट इज दैट नेक्स्ट स्टोरी बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है देखो अभी एक टाइम ऐसे जरा सोचो स्टॉक गिरते 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 2800 तक पहुंच गया ठीक है 2800 तक पहुंच गया हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया अभी सोचो इसके बाद क्या हो जाए और अगर वो हो गया तो फिर से बोलता हूं 2,800 तक स्टॉक लेवल पहुंचा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया ठीक है हम लोगों ने 2,800 के लेवल पर गुड्स ऑर्डर कर दिया इसके बाद क्या हो जाए वो तुम लोग सोचना और अगर वो हो गया तो वट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक एवर इन योर गोडाउन तुम्हारे गोडाउन के अंदर मैक्सिमम स्टॉक कभी भी कितना हो सकता है वट डू आई वॉन्ट आई बी वेरी क्लियर नाउ आई वॉन्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल मेरे को क्या चाहिए तुम्हारा जो स्टॉक लेवल है वो 2,800 का टच हो गया तुम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया इसके बाद ऐसा क्या हो जाए और अगर वो हो गया तो वट इज मैक्सिमम स्टॉक एवर पॉसिबल इन योर गो डाउन वेट बिफोर योर आंसर क्यों बोलते सर आपको ये फालतू तो फिकर क्यों चाहिए जो आपने हमको पूछा वन रीजन आई वॉन्ट टू बी डिजाइनिंग माई वेयर हाउस अभी माई वेयर हाउस इज नॉट लाइक बांखड़े स्टेडियम दैट यू कीप ऑन थ्रू इंग द गुड्स इन दैट इट विल हैव लिमिटेड स्पेस मेरे को अपना वेयरहाउस डिजाइन करवाने का है तो मैं उतना ही जगह बनवाऊंगा जितना कभी भी मेरे को मैक्सिमम लग सकता है उससे ज्यादा मैं क्यों बनवाऊ स्पेस इज वेरी एक्सपेंसिव अगेन डेटा तुम्हारे पास है अक्कल तुम्हारे पास है मेरे को आंसर लाके दो एक मिनट दे रहा हूं प्रथम करेक्ट है वो जिसका करेक्ट होएगा मैं उसको बोलेगा उज्जवल करेक्ट है बाकी सब लोग गलत है जो लोग 2500 बोलता है कुछ और सोचो ध्यान से आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टॉक नॉट मिनिमम स्टॉक क्यों बोलते सर आपने यहां पर 5000 तक लिखा तो 5000 हजार इज द आंसर बेटा वो तो मेरी मर्जी थी मैंने ग्राफ वहां तक बनाया 10000 तक बनाता तो 10000 थोड़ी आंसर हो जाता जिसका करेक्ट होएगा मैं उसको बता रहा हूं बस दो ही लोगों का अभी तक करेक्ट है चलो टाइम खत्म देखो आई एम राइटिंग इन वायलेट कलर एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल विल बी इन वायलेट कलर नाउ ठीक है सर so, बराबर से सुनना देखो मैंने क्या बोला ऐसा सिचुएशन विजुअलाइज करो कि यू विल हैव है मैक्सिमम स्टॉक मेरे को जरा बोलो व्हेन विल यू हैव है मैक्सिमम स्टॉक इन योर गोडाउन एक आगे सेंटेंस बोलो व्हेन व्हेन कंजम्पशन इज द लीस्ट मेरे ख्याल से अगर कंजम्पशन सबसे कम होगा तो हमारे गोडाउन के अंदर जो स्टॉक पड़ा रहेगा वो सबसे ज्यादा होएगा इज दैट ओके ठीक है तो जरा सोचो लीस्ट कंजम्पशन जो पॉसिबल है कितने यूनिट्स का है बेटा हंड्रेड हंड्रेड और ऐसे जरा सोचो सप्लायर फटक से आ जाएगा क्योंकि अगर सप्लायर जल्दी आ गया तो मेरा स्टॉक और ज्यादा होएगा तभी सप्लायर फटाक से फटक भी मतलब कितना टाइम लेता है कम थ्री वीक्स जरा सोचो ऐसा हो गया कोई बोलता है मैं ऐसा क्यों सोचू कि ऐसा हो गया क्योंकि मैं तुमको बोल रहा हूं क्या circumstances के अंदर यू विल uh, <coughs> in the fastest पॉसिबल टाइम जरा सोचो अगर ऐसा हो गया तो 2800 यूनिट थे अपने पास जब ऑर्डर प्लेस किया जब तक ऑर्डर आएगा हंड्रेड यूनिट्स इंटू थ्री तीन सौ यूनिट का स्टॉक निकल जाएगा इज इज ओके तो मतलब मेरे पास तीन हफ्ते के बाद मेरे पास तीन हफ्ते के बाद कितना यूनिट्स का स्टॉक बच जाएगा बेटा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो ये मैंने लिखा है हंड्रेड यूनिट्स इंटू थ्री वीक्स जब कॉपी करोगे तो ठीक है अभी मत कॉपी करो तो यहां पर आ जाएगा स्टॉक टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बट ऑब्वियसली दिस के नॉट बी और मैक्सिमम स्टॉक बॉस दिस फिगर इज लोअर देन दिस ओनली सो हाउ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी मैक्सिम लेकिन मेरे को जरा बोलो दो हजार पांच सौ जब स्टॉक हुआ तभी तीन हफ्ते भी तो खत्म हो गए मेरे को बोलो उस दिन कौन आएगा सप्लायर आएगा ना मेरे को बोलो सप्लायर क्या लेकर आएगा अपने साथ हेलो हाई थोड़ी करने के लिए आएगा अपने साथ क्या लेकर आएगा नया ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया था नया ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया था कितने यूनिट्स का था 2400 यू ऑल अंडरस्टूड दिस सो चार सौटली माई स्टॉक विल बी राइजिंग कितना यूनिट्स यार 4900 जरा सोचो ना इससे ज्यादा स्टॉक तुम्हारा कभी सपने के अंदर भी नहीं हो सकता दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो ऑर्डर आया उसी को ऐड करेगा ना यार उससे मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा अभी ये जो वायलेट लाइन बनाई ना इसी से हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं एज आई टोल्ड कभी याद तो नहीं होते लेकिन मेरे लॉजिक याद रहता है पॉसिबल स्टॉक लेवल हम लोगों ने चालू किधर से किया आर ओ एल से किन दो चीजों को मल्टीप्लाई किया मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम और उसके बाद क्या ऐड कर दिया आर ओ क्यू दैर इज द क्वांटिटी दैट वी ऑल ऑर्डर 4900 माइनस 100 इंटू थ्री प्लस 2400 तो आंसर सॉरी 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 आर ओ एल कितना था बेटा 2800 तो ये वाला तुम्हारा जो आंसर है आ जाएगा 4900 यूनिट्स सपने के अंदर भी सोचोगे ना तुम्हारे पास इससे ज्यादा स्टॉक कभी नहीं हो सकता दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल एवर इन योर गो डाउन ठीक है ये पहले लिख लो उसके बाद जो ग्राफ के अंदर लिखा वो उसके बाद लिख लेना ये लिख लो पहले टैंक्स हम्म ऊपर ग्राफ के अंदर ये वाला चीज बना लो प्लीज ये तो जो 2500 यूनिट्स का बनाया है वो लाइन नीचे होनी चाहिए ना फुटबॉल में लेते हैं नीचे है बेटा वो यहां तक लेके गया था 2000 और 3000 के बीच में बेटा इधर वो पैरल लाइन नहीं है बेटा वो नीचे ही है अभी यार तू मेरे को ड्राइंग मत ठीक है अभी 2800 से 2500 तक बस तू वो पहुंच जा अभी बेटा अगर को सबसे ज्यादा स्टॉक चाहिए यू कंज्यूम द लीस्ट एंड यू अज्यूम दैट सप्लायर कम्स इन द फास्टेस्ट टाइम नो और क्या तेरे को सबसे ज्यादा स्टॉक चाहिए तो तू यही सोचना कि कंजम्पशन सबसे कम होगा और सप्लायर सबसे जल्दी आ जाएगा तो यू विल हैव हाईएस्ट स्टॉक नो बस हाँ हाँ तो मेरे को डाउट था

ये काम हो गया अभी ना मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल का तुमको दो यूजेस में बता सकता हूं एक इट विल हेल्प यू टू डिजाइन योर वेयर हाउस ठीक है वो एक चीज तो हो ही गया दूसरा दूसरा अभी दूसरा यूज ना ध्यान से सुनना देखो मैंने मेरे परचेज मैनेजर को बोला ठीक है मैं कंपनी का ओनर था मैंने मेरे परचेज मैनेजर को बोला Hmm. कि तू तो इंश्योर करना स्टॉक इज ऑर्डर्ड एट व्हाट पर्टिकुलर लेवल 2800 ठीक है अभी जरा सोचो ना व्हेन यू मेक सम सिस्टम व्हेन यू टेल समथिंग टू समबडी यू शुड आल्सो इंश्योर दैट इट गेट्स फॉलोड शुड बी अ सिस्टम वेयर बाय इट गेट्स फॉलोड और अगर वो फॉलो नहीं होता तो तेरे को पता चल जाना चाहिए यार कि ऐसा नहीं हो रहा है सिस्टम बनाना एक काम है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना एंड टू एंश्योर दैट एवरीबडी फॉलोज दैट इट इज अ डिफरेंट थिंग राइट गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स लॉन्च करता है गरीबों के लिए ये करेगा ये करेगा वो करेगा लेकिन उनका एग्जीक्यूशन बहुत पुअर होता है तो वी हैव टू एंश्योर दैट थिंग्स गेट एग्जीक्यूटेड राइट सो लेट्स गेट ऑन टू दैट मैंने ना मेरे परचेज मैनेजर को बोला तू देखते रहना स्टॉक कभी 2800 तक पहुंचता है ठीक है जब भी स्टॉक 2800 तक पहुंचता है ना तेरे को ऑर्डर करने का है क्योंकि दैट इज वॉट एवर इज लेवल बोलता साहब आई विल इंश्योर थ्रू माई स्टॉक चेकर्स कि ऐसा हमेशा हो मैंने बोला थैंक यू अभी मैं कंपनी का मालिक मेरे को ना बंदे के ऊपर भरोसा नहीं था कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा तो तीन चार महीने बीते एक दिन ना मेरे को लगा कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है मैंने ना स्टॉक चेकर को बुलाया अभी ये जो स्टॉक चेकर्स होते हैं एक होता है स्टोर कीपर स्टोर कीपर मतलब जो वेयरहाउस के अंदर बैठता है ठीक है और एक होता है स्टॉक चेकर स्टॉक चेकर्स आर यूजुअली देयर ओनली फॉर वन थिंग टू टू काउंट की स्टॉक कितना है ठीक है तो एक बंदा वो होगा जो परचेज मैनेजर के अंदर काम करेगा आल राइट ऑन दैट ऑल दो यू ऑल डोंट राइट परचेज मैनेजर के अंदर जो बंदा काम करेगा ना दैट गाय विल बी इन दिस के स्टोर मैनेजर ठीक है या स्टोर कीपर ये वाला जो बंदा है ही हैज टू कीप ऑन सींग स्टॉक 2800 तक पहुंचा परचेज मैनेजर को इन्फॉर्म करो कि साहब ऑर्डर प्लेस करने का ये एक चीज है तो ये दोनों अलग है मैं कंपनी का ओनर हूं ठीक है मेरे को लगा ये दोनों अपना काम बराबर नहीं करते तो मैंने एक दिन स्टॉक चेकर को बुलाया स्टॉक चेकर वो होता है हु विल फिजिकली काउंट द स्टॉक फॉर अस मैंने स्टॉक चेकर को बोला वेयरहाउस के अंदर जा काउंट करना स्टॉक कितना है ये जो स्टॉक चेकर था वेयर हाउस के अंदर गया काउंटिंग करना स्टार्ट किया मेरे को आके शाम को बोलता साहब स्टॉक जो है ना पांच हजार यूनिट का है नहीं मैं इसको चार हजार करता हूं ठीक है उसने बोला साहब स्टॉक जो है ना चार हजार का है मैंने बोला ठीक है तू घर पे जा वो चला गया मैंने उसको पांच महीने के बाद फिर से बुलाया मैंने उसको बोला सुन मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ होता है इस कंपनी के अंदर अपने को पता नहीं चल रहा है तू तो एक काम कर स्टॉक काउंट कर जाके उसने स्टॉक काउंट किया चार हजार पांच सौ यूनिट निकला उसे मेरे को आके बोला साहब इतना स्टॉक है मैंने कुछ सोचा मैंने बोला घर पे जातू कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है पांच महीने के बाद मेरे को फिर से शक हुआ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है मेरे को नहीं पता चल रहा यार स्टॉक चेकर को मैंने बोला मैंने बोला जा काउंट कर पक्की बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो निकलेगा इस बार जब इस स्टॉक चेकर ने स्टॉक काउंट किया ना तो पांच यूनिट का स्टॉक निकला फाइव यूनिट्स का स्टॉक निकला अभी मैं ओनर ऑफ द कंपनी सोचेगा मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल कभी भी कितना हो सकता था फोर थाउजेंड नाइन सारा स्टॉक इससे ज्यादा कैसे हो गया मैं सोचता रहा सोचता रहा कि यार इससे ज्यादा स्टॉक तो सपने के अंदर भी नहीं हो सकता था ना तो स्टॉक फोर्टी नाइन हंड्रेड के ऊपर कैसे चला गया यार मैंने क्या किया परचेज मैनेजर को बुलाया मैंने परचेज मैनेजर को बुलाया उसको एक लगाई मैंने पहले बोलता सर मेरे को पीटा क्यों मैंने बोला क्योंकि तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की बोलता साहब मैंने क्या गड़बड़ की अब जरा ध्यान से सुनना इस बंदे से वन ऑफ द थिंग्स क्या हो सकता है क्योंकि देखो रेगुलर केसेस के अंदर तो स्टॉक 4900 के ऊपर तो कभी भी नहीं जा सकता लेकिन आज स्टॉक का काउंटिंग किया तो स्टॉक कितना है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड मतलब इस बंदे से क्या हुआ रहेगा जरा ध्यान से सुनना स्टॉक जो है ना गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था तीन हजार सात सौ तक पहुंचा परचेज मैनेजर से कंट्रोल ही नहीं हुआ बोलता आई कांट वेट ओनली फॉर स्टॉक टू फॉल डाउन टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड आई विल ऑर्डर ओनली ऑब्वियसली अगर वो स्टॉक पहले ही ऑर्डर कर देगा तो स्टॉक पहले ही आ जाएगा फिर वो 4900 की बाउंड्री को तोड़ के उसके भी ऊपर चला जाएगा तुमको समझा जो मैंने बोला yes, अभी ऑब्वियसली इन दिस केस आई कैन टेल द परचेज मैनेजर भाई तुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होता इवन इफ आई ऑर्डर एट टू थाउजेंड एट हंड्रेड वी आर हंड्रेड परसेंट सेफ नो तुमको समझा ये लाइन तुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होता यू ब्लडी वेट रो फॉर स्टॉक टू फॉल डाउन टू एट टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड अगर तू उससे पहले ही ऑर्डर कर देगा तो मेरे पास स्टॉक ज्यादा हो जाएगा माई कैरिंग कॉस्ट विल राइज दो तुमको समझ में आता है सो दे इन रियल लाइफ नो मैक्सिम पॉसिबल स्टॉक लेवल का ये वाला एक यूज आजकल बहुत ज्यादा काम में आता है स्पेशली इन द ऑटोमेटेड सिस्टम ओके वेयर बाय इफ एवर एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल In this case, it is a hint that purchase manager has committed what mistake? Stop. He Stop. has not ordered not. before reorder level होनी। तुमको समझा मेरी baat not. And in this not. case, if he orders, not. sorry, वो usually कोई बंदा ना ज़्यादा quantity नहीं मंगवाएगा, क्योंकि वो फिर ना finance department track कर लेता है, क्योंकि ultimately they have to be paying for it, okay? तो वो वाला काम कोई कर नहीं सकता इन अ रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ठीक है तो इसलिए मैं वो चीज के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा ठीक है ना तो इन रियल लाइफ मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल इज देयर टू कैच द मिस्टेक ऑफ द परचेज मैनेजर इफ ईर्डर्स बिफोर री ऑर्डर लेवल इज इज ओके ठीक है चलो अपना लास्ट पार्ट और फिर तुम लोग को ब्रेक देता हूं फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे ना मैं खुद ब खुद रिजोल्व वो ही दूंगा तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स आए रहेंगे ओके जो थॉट्स नहीं, नहीं भी आए थॉट्स विल स्टार्ट कम आफ्टर सम टाइम जरा ध्यान से जरा ध्यान से अभी अगर मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल का सबसे बड़ा यूज ये है इट शुड हेल्प मी टू कैच द परचेज मैनेजर इफ यू ऑर्डर बिफोर रीऑर्डर लेवल जरा सोचो ना देर शुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो देर शुड बी सम अदर चेक ऑल्सो दैट कीप्स अ चेक दैट परचेज मैनेजर्स डू नॉट ऑर्डर आगे बोलो आफ्टर द रिऑर्डर लेवल ओके मतलब उनको 2800 के इन दिस केस बाद नहीं ऑर्डर करना चाहिए ओके okay. अभी देखो मैं कुछ वो बोलता हूं तुमको शायद समझ में आए आई होप सो क्राइम टू ऑर्डर बिफोर रियऑर्ट इज नॉट अ क्राइम इफ यू ऑर्डर बिफोर रिओर्डर लेवल जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था आई अंडरस्टैंड यूर कैरिंग बट इट इज नॉट अरे थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन वो गुना नहीं है ओके okay, वो क्राइम नहीं है बट यू विल अंडरस्टैंड इट इज ऑब्वियसली अ क्राइम टू ऑर्डर आफ्टर रिओर्डर लेवल जरा सोचो ना एक बंदे को दो हजार आठ सौ पर ऑर्डर करना चाहिए था अगर उसने दो हजार के लेवल के ऊपर ऑर्डर किया देर इज अ चांस ऑफ स्टॉक आउट तो दैट इज अ डैम बिग क्राइम दैट इज अ डैम बिग क्राइम वो नहीं हो सकता तो मैं तुमको क्या बोलता हूं मेरा जो नेक्स्ट चेक है ना इट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक दैट ऐसा चेक होना चाहिए दैट परचेज मैनेजर अगर 2800 के बाद ऑर्डर करेगा ना वो उसको पकड़ा जाना चाहिए और वो पिटना चाहिए तुमको समझ में आता है वाला चीज इट इज नॉट अव एक्सेस स्टॉक्स बट इट इज अम टू हैव लेसर स्टॉक्स जरा खुद ब खुद सोचो स्टॉकआउट होगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा वर्कर्स लोगों को पेमेंट शायद फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो काम करने के लिए आए दट कुछ ना कुछ वो मिनिमम वेजेस का वो क्लॉज ना हो ओके okay. तो सुनो अभी जो मैं तुमको क्वेश्चन पूछने वाला ना मैं उसके लिए तुमको बहुत टाइम देगा टू गेट मी दिसाइसली टेन सेकेंड्स आई गिव यू ठीक है मैं यहां पे टेन डाल के रखता हूं ताकि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं मैं स्टॉप पॉल स्टार्ट कर दूं ठीक है और ये मेरा क्वेश्चन क्या है इफ मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल इज फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड विल बी मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल टेन सेकेंड स्टार्ट नाउ, मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल हंड्रेड ऑब्वियसली तुमको एक सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए था टू टेल आंसर इनफैक्ट वो इधर ही था तुमको समझ में आएगा हंड्रेड से कम कभी स्टॉक जा भी नहीं सकता ना ओके okay. को बोलते सर महीने तो हंड्रेड निकाला उसके बाद चौबीसो एड करके तो पच्चीसो विल बी दंसर पागल अगर तूने ऐसे किया मिनिमम लेवल तो फिर भी हंड्रेड ही रहना करेक्ट नो यू वांट मिनिमम लेवल नो ओके अच्छा सुनो 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 जिनको नहीं समझा कि हंड्रेड का आंसर कैसे आया तो मैं तुम लोग ये कॉपी नहीं करना प्लीज पोपट होएगा तुम्हारा इफ यू वांट मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल मेरे को जरा बोलो यू शुड थिंक दैट कंजम्पशन विल बी if you want minimum possible stock level you should think consumption will be higher na and you should think supplier will be coming in maximum lead time okay so therefore into maximum lead time to 2800 minus 450 into 100 sorry साढ़े चार सौ सो, क्या लिखा इन टू सिक्स ना तो ये आंसर आ जाएगा हंड्रेड ऑनेस्टली इससे कम तुम्हारा स्टॉक कभी जा ही नहीं सकता ना तुम्हारा करेक्ट no? नो को सब लोग बोलो इज दिस ओके अच्छा सुनो सुनो सुन। अब मेरे को एक लाइन जरा बताना अभी अभी मैंने स्टोरी बोला था मैक्सिमम स्टॉक के थ्रू मैक्सिमम स्टॉक के अंदर मैं परचेज मैनेजर को कभी लाफा मारता है व्हेन एक्चुअल स्टॉक इज आगे बोलो आगे बोलो मोर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल करेक्ट नो ओके अभी टू टेक केयर दैट दैट गाइड डॉट ऑर्डर बिफोर रिओर्डर लेबल ओके देर शुड बी समथिंग टू टेक केयर दैट डिज गाइड डॉट ऑर्डर आफ्टर रिओर्डर लेबल करेक्ट ओके बिकॉज ऑर्डरिंग आफ्टर रिओर्डर लेवल कैन लीड टू स्टॉकआउट मेरे को बोलो ये चीज से एग्री करते हो कि नहीं करते हो एंड दैट इज अ ब्लडिंग वो तो मर्डर हो गया यार ओके okay. तो अब जरा सुनना जरा ध्यान से मैंने ना मेरे परचेज मैनेजर को बुलाया बोलता साहब क्या हुआ मैंने बोला सुन अगर कभी स्टॉक फोर्टी नाइन हंड्रेड के ऊपर गया ना तू भी गया बोलता सर ठीक है उसके बाद मैंने बोला अगर कभी स्टॉक हंड्रेड यूनिट्स के नीचे गया ना तू भी गया तुमको समझा जो मैंने सेंटेंस बोला ठीक yes. है उसको बोला अगर कभी स्टॉक हंड्रेड यूनिट्स के नीचे गया ना तू भी गया बोलता सर थैंक यू मैंने बोला थैंक यू क्यों बोला बोलता साहब अभी आप न्यू हो आपको पता चलेगा बाद में थैंक यू मैंने बोला ठीक है आई विल वेट अब सुनना जरा बराबर से ही शुड हैव ऑर्डर्ड एट वट लेवल टू थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है उसको 2800 पे ऑर्डर करना चाहिए था भूल गया सो गया एक हफ्ते तक बंदा सोता रहा ही शुड है एट दिस लेवल एक हफ्ते तक सोता रहा अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना ध्यान से सॉलिड ध्यान से सुनना सॉलिड ध्यान से सुनना मेरे को बोलो अगर एक हफ्ते के अंदर वही हुआ जिसका होने का चांसेस सबसे ज्यादा था मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा हूं अगर वही हुआ जिसका होने का चांसेस सबसे ज्यादा था चांसेस सबसे ज्यादा था तो मेरे को बोलो एक हफ्ते के अंदर कितने यूनिट्स फैक्ट्री ने कंज्यूम किए रहेंगे थ्री हंड्रेड ना 300. सबसे ज्यादा होने का तो इसी का चांस है यह बंदा एक हफ्ते तक सोता रहा एक हफ्ते के अंदर इतना यूनिट्स जो है कंज्यूम हो गया ठीक है तो एक हफ्ते के बाद स्टॉक लेवल कितने यूनिट्स का हो गया टू पहले मेरे को बोलो सब लोग बोलना बंदे ने गलती की कि नहीं की गलती, गलती की ना उसको यहां पर ऑर्डर करना चाहिए था उसने एक हफ्ते का ऑर्डर डिले कर दिया ठीक है लेकिन वो पकड़ा कभी जाएगा जब भी स्टॉक लेवल हंड्रेड यूनिट्स के नीचे जाएगा मेरे को बोलो अभी तक पकड़ा गया क्या नहीं नहीं ना आज तो स्टॉक पच्चीस हुआ एक हफ्ते के बाद उठा बोलता बहुत नींद आ रही है मैं सोएगा ओके एक हफ्ते तक और सोया तो एक हफ्ते के बाद स्टॉक लेवल कितना हो गया 2,200 अभी तक तो नहीं पकड़ा गया अभी इसके बाद ना मैं एक मिनट तक एक स्टोरी बोलने वाला हूं वो मैं बोलूंगा तुमको बहुत मजा आएगी उसके बाद उसको भूल जाना ठीक है अगर एक मिनट से जल्दी खत्म वो हो गई वी विल हैव साइलेंस फॉर दैट मच लेफ्ट टाइम ठीक है बराबर से सुनो स्टार्ट अगर वो दो हफ्ते के बाद उठा ठीक है और अगर उसने ऑर्डर कर दिया और अगर उसके बाद बुरे से बुरा हो गया तो फिर तो वो बंदा पिटेगा ही पिटेगा तुमको समझा जो मैंने बोला क्योंकि फिर तो स्टॉकआउट हो जाएगा ना तुमको समझा लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी वो साला तो पकड़ा जाना चाहिए ना ही डिलेड ऑर्डर तुमको समझा जो मैं बोला तो अगर वो बंदा दो हफ्ते के बाद उठा और उसने दो हफ्ते के बाद ऑर्डर कर दिया और अगर उसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम हो गया फिर तो स्टॉकआउट ही हो जाएगा क्योंकि तुमको इस पीरियड के अंदर 2,700 यूनिट की जरूरत पड़ेगी तुमको समझा जो मैंने बोला फिर तो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होएगा सब लोगों को पता चली जाएगा फिर तो ये साला पिटेगा ही पिटेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ अगर मैक्सिमम मैक्सिम और मैक्सिमम रिटाइन नहीं भी हुआ तो भी वो बंदा पकड़ा तो जाना चाहिए ना yes, चलो एक yes. मिनट खत्म ओके okay. भूल जाओ जो, जो भी मैंने बोला तो मैं ये वाली चीज अभी रब कर रहा हूं ठीक है जरा सोचो दो हफ्ते के बाद उठा सब लोग उसको घूर के देख रहा था ये ऑर्डर प्लेस करेगा कि नहीं करेगा दो हफ्ते के बाद उठा बोता बहुत नींद आती है दो हफ्ते और सोएगा दो हफ्ते कुंभकर्ण की औलाद वो और सोया ठीक है थर्ड वीक फोर्थ वीक आज स्टॉक लेवल कहां तक पहुंच गया सोलह सो तक पहले मेरे को बोलो गलती की कि नहीं की बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गलती कर दी ही शुड है प्लेस एन ऑर्डर ब्लडी शेड वन मंथ अगो फोर वीक्स नो अगो ही शुड है प्लेस ऑर्डर वन मंथ अगो एक मंथ तक वो ऑर्डर डिले कर रहे हैं चार हफ्ते के बाद उठा सब लोग उसको वो ही घूर के वो देख रहा था और भी कोई बंदा जो था उसके आसपास तो वो सोया ही नहीं वो टेंशन के मारे कि ये बंदा ऑर्डर करेगा कि नहीं और ये बंदा तो सोता रहा चार हफ्ते के बाद उठा आराम से उठा सब लोग चार हफ्ते के बाद उठा सप्लायर को फोन किया उसको बोला तू भी टेंशन मत ले भाई आराम से आ जाना ओके अगर इसके बाद भी वही हुआ एक मिनट उसने सोलह सौ सो के लेवल के ऊपर ऑर्डर कर दिया अगर इसके बाद वही हुआ जिसका होने का चांसेस सबसे ज्यादा था सप्लायर विल कम इन फाइव वीक्स मानते हो एंड फैक्ट्री विल कंज्यूम थ्री हंड्रेड यूनिट पर भी इतना कांड करने के बाद भी जब सप्लायर आएगा तेरा स्टॉक लेवल कितना होएगा हंड्रेड मेरे को बोल क्या हंड्रेड के नीचे गया हो? नहीं नहीं ना तो तू बच गया ना मतलब तेरा सिस्टम साला इतना थर्ड क्लास निकला दैट इन यूजुअल केसेस परचेज मैनेजर कैन डिले द ऑर्डर इवन फॉर फोर वीक्स एंड नॉट गेट कॉट नो एंड ही विल ओनली गेट कॉट इफ बुरे से बुरा हैपन्स बट बुरे से बुरा होने का चांसेस बहुत कम होता है तेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए दैट इवन इफ ही डिलेज द ऑर्डर बाय वन डे ही शुड गेट कॉट ना यार तेरा सिस्टम इतना सला फालतू ऑर्डर बाई फोर वीक्स डॉट गेट कॉट तो फिर ऐसा फालतू सिस्टम रखने का यूज ही क्या है इज इज ओके आई ट्राई टू बी थिंकिंग अगर कोई सिस्टम के साथ एनी बडी कैन ट्राई टू बी एक्सप्लिंग दैट सिस्टम तो फिर यह सिस्टम रखकर यूज क्या है इसके अंदर तो वो पकड़ा ही नहीं जाएगा कभी और वो तभी पकड़ा जाएगा जब भी बुरे से बुरा हो जाएगा क्योंकि बुरे से बुरा अगर हुआ तो स्टॉकआउट हो जाएगा और अगर स्टॉकआउट हो ही गया मतलब बुरा तो हो ही गया ना फिर Yes. फिर सिस्टम रखने का यू यूज ही क्या था जब बुरे से बुरा हो गया तो तुमको समझा yes. मुझसे गलती क्या हो गई? मुझसे गलती यह हो गई कि मैंने तुम लोग को पूछ लिया कि मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल बताओ मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल तो हंड्रेड ही है लेकिन आई नॉट सेट मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल एस द मिनिमम लेवल एल्स दैट गाय विल प्ले विद मी फॉर फोर वीक्स एंड नॉट इवन गेट कॉट तुम्हारा तुमको समझा तो मेरे को मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल नहीं चाहिए तो सर क्या चाहिए फिर आपको मेरे को चाहिए मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल बोलते सर मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल का मतलब मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल का मतलब यूजुअल केसेस के अंदर यूजुअल यूजुअल केसेस के अंदर तुम्हारा स्टॉक लेवल किधर तक पहुंचना चाहिए तो यूजुअली जो होता है दिस इज एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम अब जरा देखना एवरेज कंजम्शन कितना है थ्री हंड्रेड एवरेज बी टाइम कितना है फाइव तुम्हारा मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल कितने का आएगा तेरह सो यूनिट अब जरा देखना बंदे का एटीट्यूड ही बदल जाएगा फ्रॉम अ सिविलियन ही विल स्टार्ट टू बिकम अ सोल्जर आई डोंट नो यू अंडरस्टूड दिस लाइन और नॉट ओके यू अंडरस्टूड दिस लाइन ही विल बी सुपर केयरफुल नाउ क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ भी डिले किया ना मैं पिट जाएगा जिन लोगों को नहीं मालूम सिविलियन मतलब अपन लोग ठीक है तो दिस गाय विल स्टार्ट टू बिकम वेरी अटेंटिव नाउ हाउ मैंने परचेज मैनेजर को बुलाया मैंने बोला सुन अगर स्टॉक तेरह सो के नीचे गया ना तू भी पिट गया ओके okay. बोलता सर आई विल बी वेरी केयरफुल सर अब जरा देखो ही शुड हैव ऑर्डर्ड है लेवल दो हजार आठ सौ के लेवल पर ऑर्डर करना चाहिए था जैसे ही स्टॉक दो हजार आठ सौ के लेवल पर पहुंचा ना एक हफ्ते के लिए सो गया और जब सोया रहा सपने के अंदर शिव भगवान वो आया और उसको बोला तू पिटेगा तू पिटेगा तू पिटेगा ओके एक हफ्ते के बाद उठा ओके एक हफ्ते के बाद उठा स्टॉक लेवल था 2500 जैसे ही जैसे उठा सप्लायर को फोन किया सप्लायर को बोला एक मिनट पहले मेरे को बोलो गलती हुई कि नहीं हुई हुई ना तो एक हफ्ते तक गलती तो हुई ना यार ओके एक हफ्ते के बाद उठा सप्लायर को फोन किया सप्लायर को बोला भाई स्टॉक भेजना मेरे को ओके अगर वही हुआ इसके बाद जो होने का सबसे ज्यादा चांसेस था से, जब सप्लायर पांच हफ्ते के बाद आएगा स्टॉक गिर के कितना हो जाएगा मेरे को बोलो क्या तेरह सौ के नीचे गया तो पिटेगा ना बंदा पहले चार हफ्ते तक डिले करता था तो भी नहीं पकड़ा जाता था अभी एक हफ्ता डिले किया तो भी पकड़ा गया ना ओके दिस इज अ बेटर लेवल से इसलिए ना दुनिया में मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल आप लोग कंप्यूट कर सकते हो हंड्रेड यूनिट लेकिन उसका कोई यूज नहीं है इन रियल लाइफ ओके सो यू शुड ऑलवेज कंप्यूट मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल बोले तो यूजल केसेस के अंदर स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए इज इज ओके बस काम खत्म हो गया मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल मैंने ब्लू के अंदर लिखा है तो अपने ग्राफ के अंदर आओ मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल पांच हफ्ते के बाद आप लोग तेरह तक पहुंचोगे यहां पे तेरह सो का, का मार्किंग करना तेरह यूनिट्स यूनिट मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल पे लिखना थ्री हंड्रेड यूनिट्स इंटू फाइव चलो तो नीचे आओ ये मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखो ये ब्लू वाला पार्ट कॉपी करो चलो सुनो ये वाला पार्ट अभी के लिए तो वो खत्म करते हैं